मेरे यानी मॉरिस के साथ आप सुन रहे हैं हेलो आई एम यश ऑथर अंकु ठाकुर ओनली ऑन पॉकेट एफएम। समायरा ने कहा, डिड आई डू द राइट थिंग? रे ने कहा, बिल्कुल। हमें पता है ये लोग किस तरह की पार्टी थ्रो करते हैं, इसलिए हम पार्टी अटेंड नहीं करेंगे। समायरा ने कहा, वो बहुत डेंजरस लुक देकर गया। यश ने बॉल को टैप करते हुए कहा, डोंट वरी, वी विल हैंडल इट। इतना कहकर उसने बॉल को गोल पोस्ट की तरफ उछाल दिया। बॉल इन हो गई और गोल हो गया। सर्वज्ञ डॉर्मेट्री से बाहर आया और तेजी से लाइब्रेरी की तरफ जाने लगा। तभी अचानक किसी से जोर से टकराया। सर्वज्ञ ने एकदम कहा, आई एम सो सॉरी। फिर उसने देखा तो चौंक गया, कीर्ति तुम? कीर्ति ने सामने देखा और कहा, सर्वज्ञ तुम यहां क्या कर रहे हो? सर्वज्ञ ने कहा, मैं तो अपनी मास्टर्स यहां एसयू से कर रहा हूं, बट तुम बेंगलोर चली गई थी ना अपनी एमबीबीएस के लिए? कीर्ति ने कहा, मैं अपनी दोस्त से मिलने आई थी। आई डोंट बिलीव कि मैं तुम्हें अब भी याद हूं। सर्वज्ञ ने मुस्कुराकर कहा, ओ कम ऑन, रॉयल वॉरियर्स की प्रिंसिपल की बेटी को कौन भूल सकता है? सब तुम्हारे आगे पीछे पड़े रहते थे, पर यहां तुम किस दोस्त से मिलने आई हो? कीर्ति ने कहा, यश से। सर्वज्ञ ने चौंक कर उसे देखा और फिर कहा, यश से? कीर्ति ने कहा, वाओ, तुम्हारा रिएक्शन देखकर लग रहा है कि तुम मिल चुके हो उससे। सर्वज्ञ ने कहा, वी आर इन द सेम डिपार्टमेंट, बट विनी आई मीन यश, वो तुम्हारी दोस्त? स्कूल में तो तुम लोग बात तक नहीं करते थे। एंड देन? कीर्ति ने मुस्कुराकर कहा, उसकी और मेरी दोस्ती 10th में हुई थी, बट विनी ने मुझसे कहा था कि स्कूल में उससे बात ना करूं, वरना सब मुझे भी तंग करना शुरू कर देंगे। सर्वज्ञ उसे हैरानी से देख रहा था। कीर्ति ने उसे ऐसे देखकर कहा, हमारी दोस्ती तुम्हारी ही वजह से हुई थी, उसने सबके सामने मुझे शर्मिंदा होने से बचाया था। सर्वज्ञ ने अटकते हुए कहा, मेरी वजह से? मतलब? कीर्ति ने कहा, रिमेंबर 10th मिड में तुम्हारे फोटोज चोरी हो गए थे, एंड देन आहना ने विनी को ब्लेम किया था। सर्वज्ञ ने हां में सिर हिलाया। कीर्ति ने कहा, एक्चुअली वो फोटोज मैंने चुराए थे। सर्वज्ञ कीर्ति की तरफ हैरानी से देख रहा था। कीर्ति ने मुस्कुराकर कहा, आई हैड अ क्रश ऑन यू, तुम 10th क्लास के मिड टाइम में फोटोज लाए थे, मैंने तुम्हारे बैग में फोटोज देख लिए थे, जब सब असेंबली के लिए गए तो मैंने वो चुरा लिए, बट काफी बड़ा इशू हो गया, सो अगले दिन मैंने वो फोटोज वॉशरूम में फेंक दिए, और यश विनी ने मुझे देख लिया, उसने वो फोटोज वापस तुम्हारी बुक में रखने चाहे, पर आहना ने। इतना कहकर कीर्ति चुप हो गई। सर्वज्ञ ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, होल्ड ऑन, यू मीन विनी, शी डिडंट हैव एनी फीलिंग फॉर मी? कीर्ति ने सिर हिलाया और कहा, विनी 10 साल से तुम्हारी सीटमेट थी, पर उसने कभी तुमसे बात की क्या? इवन उसने तो कभी तुम्हें ठीक ढंग से देखा भी नहीं था। सर्वज्ञ को एकदम से याद आ गया, रूल के हिसाब से वो और विनी 10 साल तक साथ ही बैठे थे, पर जब तक सर्वज्ञ ने उससे खुद बात नहीं की, विनी ने भी कभी उससे बात नहीं की। फ्री क्लास में जब सब आपस में बात कर रहे होते थे, विनी किताबों में मग्न होती थी। कीर्ति ने जब सर्वज्ञ के चेहरे के सामने चुटकी बजाई, तब वो यादों से बाहर आया। सर्वज्ञ ने कहा, तो जब सब विनी को ब्लेम कर रहे थे, व्हाई डिडंट यू से एनीथिंग? कीर्ति ने कहा, विनी ने मुझसे कहा था कि मैं किसी से कुछ भी ना कहूं, और वो भी नहीं कहेगी। पहले ही मेरी मां मुझे स्टडीज के लिए बहुत प्रेशराइज करती थी, उन्हें पता चल जाता तो वो मार ही डालती मुझे। सर्वज्ञ ने कहा, और विनी, उसने क्यों नहीं कहा कुछ? कीर्ति ने कहा, वो कहती भी तो कौन सुनता, आहना ने उसे कभी कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। फिर जब मैंने उससे कहा तो उसने कहा कि क्लास वाले तो उसे वैसे भी तंग करते ही हैं, थोड़ा और सही। सर्वज्ञ थोड़ी देर चुप हो गया। कीर्ति ने उसे गौर से देखा और फिर कहा, क्या हुआ, ईगो हर्ट हो गया?
सर्वज्ञ ने उसे हैरानी से देखा और फिर कहा, What do you mean? कीर्ति ने जवाब दिया, नहीं मतलब जिस सर्वज्ञ पर स्कूल की सारी लड़कियां फिदा थीं, उसी सर्वज्ञ में क्लास की सबसे झल्ली लड़की को कोई इंटरेस्ट नहीं था। सर्वज्ञ ने कुछ नहीं कहा तो कीर्ति ने कहा, मुझे यह भी पता था कि विनी तुम्हारे साथ पार्टी में गई थी। सर्वज्ञ फिर चौंका। कीर्ति ने कहना जारी रखा, मैंने काव्या दी से कहा था कि मैं मम्मा से बात करूंगी कि सर्वज्ञ सच में विनी को पार्टी में लेकर गया था, बट इतना कहकर कीर्ति चुप हो गई। सर्वज्ञ ने कहा, बट वॉट? कीर्ति ने कहा, बट काव्या दी ने कहा कि विनी ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है, अगर मैटर आगे बढ़ा तो विनी रेस्टिकेट ना हो जाए, तो मैं चुप रही। सर्वज्ञ ने कहा, तो अब क्यों सब बता रही हो? कीर्ति ने कहा, ताकि तुम्हें पता चले कि जितना ज्यादा तुम खुद को चार्मिंग समझते हो उतने तो हो नहीं। मुझे तुमसे तब से नफरत है जब से तुमने विनी के साथ वो सब किया, उसे सारे स्कूल के सामने इंसल्ट किया, इवन मुझे खुद पर शर्म आती है कि मैंने कभी तुम जैसे लड़के को पसंद किया। जब विनी ने तुम लोगों को अपना दोस्त माना था, शी वॉज टू डैम हैप्पी, बट यू गाइज डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। सर्वज्ञ ने उसे घूर कर देखा, फिर सर्वज्ञ ने कहा, तो तुम्हें पता था कि विनी ट्रांसफर होने के बाद कहां गई? कीर्ति ने कहा, यस आई न्यू एवरीथिंग। सर्वज्ञ ने कहा, तो तुम्हें यह भी पता होगा कि वो यश कैसे बन गई? कीर्ति ने कहा, वो यश बचपन से ही थी, पर तुम लोग खुद को इतना ऊपर मानते थे कि तुम्हें लगता है कि कोई तुमसे बढ़कर है ही नहीं। सर्वज्ञ ने चिढ़कर कहा, तुम्हें क्या लगता है कि विनी के साथ जो कुछ भी हुआ उसको कोई गिल्ट नहीं मुझे? कीर्ति ने भी उसी टोन में कहा, तुम तो बहुत खुश थे कि तुम टॉपर बन गए क्लास के, बट अब तुम देख लो, यश इस यूनिवर्सिटी की आइडल है एंड यू आर नथिंग। सर्वज्ञ ने कहा, यह तुम्हारी खुद की सोच है, पर सच्चाई क्या है यह ना तुम जानती हो और ना यश। इतना कहकर सर्वज्ञ कीर्ति को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। लैब में रे, यश और विराज प्रैक्टिकल कर रहे थे। विराज ने पिपेट में केमिकल लिया और वो उसे बीकर में डालने ही वाला था कि यश ने एकदम से कहा, रुक। विराज ने उसकी तरफ देखा तो यश ने कहा, पिपेट आगे कर जरा। विराज ने पिपेट दिखाई तो यश ने कहा, ये 10 ml से थोड़ा ज्यादा नहीं है? रे ने देखा और कहा, हां 10 ml से 0.1 और 2 ज्यादा है। विराज ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या फर्क पड़ता है? यश ने कहा, ऑफ कोर्स पड़ता है, इट्स केमिस्ट्री, यहां पर एग्जम्पशंस नहीं परफेक्शन चलता है, 10 ml मींस 10 ml। विराज ने गहरी सांस ली और फिर से पिपेट का केमिकल फ्लास्क में वापस डाल दिया। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी सर्वज्ञ तेजी से अंदर आया और उसने यश के सामने जाकर कहा, यश वी नीड टू टॉक। उन तीनों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। यश ने कहा, वॉट? सर्वज्ञ ने तीनों की तरफ देखा और फिर यश का हाथ पकड़कर कहने लगा, कम विद मी। इतना कहकर वो यश को ले जाने लगा, पर यश ने हाथ अपनी तरफ खींचते हुए कहा, ओ वॉट आर यू डूइंग, कहां लेकर जा रहे हो? सर्वज्ञ ने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। तभी विराज आगे आया और उसने सर्वज्ञ का हाथ पकड़ते हुए कहा, बात यहां भी हो सकती है, जस्ट लीव हर हैंड। इतना कहकर उसने यश का हाथ सर्वज्ञ के हाथ से छुड़ा लिया। सर्वज्ञ ने सिर झटका और फिर विराज की आंखों में आंखें डालकर उसे घूरते हुए कहने लगा, यह मेरी और यश की बात है, डोंट इंटरफेयर। विराज ने भी उसे घूरते हुए कहा, अगर तुम हद में रहकर बात करोगे तो मैं भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। तभी यश ने बीच में आते हुए कहा, गाइज रिलैक्स, ओके जस्ट रिलैक्स। इतना कहते हुए उसने उन दोनों को पीछे किया, फिर सर्वज्ञ से कहा, बहुत अर्जेंट है? सर्वज्ञ ने उसकी तरफ देखकर हां में सिर हिलाया। यश ने विराज की तरफ देखा और फिर कहा, तुम लोग कंटिन्यू करो, आई विल बी बैक। रे ने कहा, आर यू श्योर? यश ने सिर हिलाया और फिर सर्वज्ञ से कहा, लेट्स गो।
हेलो आई एम यश में आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम मॉरिस के साथ। मेरे यानी मॉरिस के साथ आप सुन रहे हैं हेलो आई एम यश, ऑथर अंकु ठाकुर, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। इतना कहकर वो लैब से बाहर चली गई। सर्वज्ञ भी उसके पीछे चला गया। दोनों रूफ टॉप पर पहुंचे। यश उसकी तरफ मुड़ी और उसने कहा, अब बोलो, ऐसी भी क्या बात थी जो तुम विराट से आर्ग्यू कर रहे थे? वी वर डूइंग सम इंपॉर्टेंट वर्क। सर्वज्ञ ने उसे देखा और फिर कहा, टेल मी द ट्रुथ। यश ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और फिर कहा, वॉट ट्रुथ, वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट? सर्वज्ञ ने कहा, 10th में मेरी फोटो तुमने नहीं कीर्ति ने चुराई थी, है ना? यश पहले तो दूसरी तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर सर्वज्ञ की तरफ देखकर कहने लगी, आई कांट बिलीव यू, क्या तुमने मुझे ये बात करने के लिए यहां बुलाया? आर यू सीरियस? सर्वज्ञ ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, हां, आई जस्ट वॉन्ट टू नो। यश ने एक गहरी सांस ली और फिर दोनों बाजुओं को लपेटते हुए उसने कहा, अगर ये सच भी है तो क्या फर्क पड़ता है अब? सर्वज्ञ ने कहा, इसका मतलब तुम मुझे कभी पसंद नहीं करती थी, इट वॉज जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। यश ने उसे देखा और फिर कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? 4 साल पहले की बातें अब क्यों सामने ला रहे हो? इट वॉज जस्ट अ पास्ट, गेट ओवर फ्रॉम इट डूड। सर्वज्ञ ने कहा, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं कभी? यश ने चिढ़कर कहा, सर्वज्ञ राणा, मैंने कभी कुछ क्यों नहीं कहा या ये सब फिर क्यों हुआ, इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं। वी आर डैम एडल्ट नाउ, जस्ट लिव इन प्रेजेंट, ओके? इतना कहकर वो जाने लगी। तभी सर्वज्ञ ने उससे कहा, उस दिन यश रुक गई, फिर वो पलटकर सर्वज्ञ को देखने लगी। सर्वज्ञ ने कहा, उस दिन हम तुम्हें झूठ बोलकर पार्टी में ले गए थे। हम सबका प्लान बस इतना था कि हम तुम्हें वाइन पिला देंगे ताकि तुम नशे में हो जाओ, उसके बाद तुम एग्जाम ना दे पाओ और मिड टर्म एग्जाम में फेल हो जाओ, इसके बाद तुम फाइनल एग्जाम नहीं दे पाती। इतना कहकर उसने यश की तरफ देखा। यश उसे गौर से देख रही थी। सर्वज्ञ ने कहा, हमने तुम्हें नशे की हालत में तुम्हारे घर के पीछे यानी स्कूल के गेट के पास गाड़ी में छोड़ा था, उसके बाद तुम घर चली गई थी और हम अपने घर चले गए थे, पर उसके बाद तुम स्कूल कैसे पहुंची, तुम्हारी वीडियो किसने बनाई और किसने अपलोड की, हमें कुछ पता नहीं। वीडियो अपलोड होने के बाद हम सब काफी स्ट्रेस में आ गए थे, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि हम तुम्हें पार्टी में लेकर नहीं गए थे, बट। इतना कहकर वो यश के करीब आया और उसने यश के कंधों पर हाथ रखकर कहा, ट्रस्ट मी, हमने वो वीडियो नहीं बनाई और ना ही अपलोड की। स्कूल में वो एग्जाम पेपर कैसे चुराए वी डोंट नो, पर तुम्हें तो याद होगा ना, प्लीज याद करो, जब हमने तुम्हें गेट के पास छोड़ा था उसके बाद क्या हुआ था? यश ने पहले अपने कंधे की तरफ देखा, फिर सर्वज्ञ के हाथों को हटाते हुए उसने कहा, इस बात से कुछ फर्क पड़ता है क्या? सर्वज्ञ ने उसे देखा और फिर कहा, हां पड़ता है, जब तुम्हें ट्रांसफर कर दिया गया था तब भी मैं तुमसे मिलने आया था तुम्हें यह बताने के लिए कि यह सब हमने नहीं किया, बट तुम जा चुकी थी, पर मुझे जानना है कि आखिर यह सब किसने किया, क्यों किया? यश ने कहा, पर मुझे नहीं जानना। सर्वज्ञ ने उसे देखा तो यश ने कहा, जो भी हुआ एक तरह से अच्छा ही हुआ, मैं और ज्यादा कॉन्फिडेंट और बेटर हो गई, और अगर मुझे याद आ भी जाता है तो क्या फर्क पड़ जाएगा, हम 4 साल पीछे तो नहीं जा सकते। सर्वज्ञ ने कहा, क्या तुम नहीं चाहती हो कि जिसने ये सब किया वो अपनी गलती सबके सामने एक्सेप्ट करे? यश ने मुस्कुराकर कहा, आई डोंट केयर, जिसने भी किया है वो 4 साल पहले की बात है, इट डजंट मैटर नाउ। सर्वज्ञ ने उसे देखा और फिर कहा, तुम सच में बहुत बदल गई हो, मुझे लगा था कि तुम्हारी सिर्फ पर्सनैलिटी बदली है, पर नहीं, विनी को अपनी रेप्यूटेशन बहुत प्यारी थी,
और उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि कोई गलत करके बच जाए, पर तुम्हें तो किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आई डोंट नो कि तुम विनी से यश कैसे बनी, पर विनी की खूबियां मुझे यश की परफेक्शन से ज्यादा पसंद थी। इतना कहकर वो तेजी से वहां से निकल गया। समायरा लाइब्रेरी से निकल रही थी कि तभी निशांत जानबूझकर उससे टकरा गया। समायरा ने उसे देखा और फिर कहा, आई एम सॉरी सर। निशांत ने मुस्कुराकर कहा, इट्स ओके, अगर मुझे पता होता कि तुम लाइब्रेरी आती हो तो मैं भी आना शुरू कर देता। समायरा ने चौंकते हुए कहा, जी? निशांत ने कहा, उस दिन तुमने पार्टी में डांस करने से मना कर दिया, मुझे बहुत बुरा लगा, यू हर्ट मी। समायरा ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, सर आई एम सॉरी, पर मैं डांस करना नहीं चाहती। और निशांत ने उसे टोकते हुए कहा, तुम्हें पता है कि कोई मुझे ना बोले तो मुझे बहुत बुरा लगता है, और जब मुझे बुरा लगता है तो मैं अपसेट हो जाता हूं, एंड देन आई बिकम वेरी बैड गाय। समायरा घबराकर पीछे हट गई तो निशांत ने कहा, अरे अरे तुम तो डर रही हो, डोंट वरी, डरने की जरूरत नहीं है मुझसे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, जस्ट तुम्हें मेरे चूज किए गाने पर डांस करना होगा, दैट्स इट। समायरा ने कुछ नहीं कहा, उसने घबराकर इधर उधर देखा, मगर सब उसे और निशांत को अनदेखा कर रहे थे। निशांत ने मुस्कुराकर कहा, डोंट वरी, ये सब हमारे बीच नहीं आएंगे, मुझे सिर्फ तुम्हारा जवाब चाहिए और वो भी हां में। समायरा ने कहा, सर प्लीज लेट मी गो। इतना कहकर वो जाने लगी कि निशांत ने अपनी टांग अड़ा दी। समायरा गिर जाती पर किसी ने उसे बाहों में थाम लिया। समायरा ने ऊपर देखा तो विराज था। उसने समायरा को संभाला और कहा, आर यू ओके? समायरा ने हां में सिर हिला दिया। विराज ने उसे पीछे किया, फिर निशांत को घूरते हुए कहा, डूड यू क्रॉस द लिमिट। यश रूफ टॉप की रेलिंग के पास खड़ी थी, ठंडी हवा चल रही थी और उसकी आंखें बंद थी। उसे सर्वज्ञ की बात याद आ रही थी। विनी को अपनी रेपुटेशन बहुत प्यारी थी और उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि कोई गलत करके बच जाए, पर तुम्हें तो किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आई डोंट नो कि तुम विनी से यश कैसे बनी, पर विनी की खूबियां मुझे यश की परफेक्शन से ज्यादा पसंद थी। यश ने मुस्कुराकर कहा, विनी यश कैसे बनी। हेलो, आई एम यश में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM मॉरिस के साथ। मेरे यानी मॉरिस के साथ आप सुन रहे हैं हेलो आई एम यश, ऑथर अंकु ठाकुर, ओनली ऑन पॉकेट FM। विनी को स्ट्रेचर पर लेकर काव्या नर्स और डॉक्टर के साथ भाग रही थी। विनी के हाथ से खून अभी भी बह रहा था। काव्या का चेहरा रो रोकर लाल हो चुका था। विनी बेहोश थी। डॉक्टर उसे इमरजेंसी वार्ड में ले गए। नर्स ने काव्या को बाहर ही रुकने के लिए कहा। काव्या अपने सिर पर हाथ रखकर इधर उधर चलने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विनी ने अपनी नस काट ली है। काव्या के हाथ, कपड़े, उसका चेहरा सब खून से रंगे हुए थे। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। तभी सामने से साधिका, प्रिंसिपल मैम और कीर्ति भाग कर आए। उन्हें देखकर काव्या ने गहरी सांस ली। साधिका ने उसके पास आकर अंदर देखते हुए कहा, काव्या, विनी, विनी कहाँ है? क्या हुआ उसे? काव्या ने रोते हुए कहा, वो माँ, विनी, मैं घर पहुंची, विनी ने अपनी नस काट ली। साधिका गिरते गिरते बची। काव्या ने उसे पकड़ते हुए कहा, मां मां संभालिए प्लीज। प्रिंसिपल ने कहा, साधिका, विनी को कुछ नहीं होगा, शी विल बी फाइन, तुम खुद को संभालो, तुम ही कमजोर पड़ जाओगी तो काव्या का क्या होगा? साधिका बाहर पड़े बेंच पर बैठ गई।
अंदर से तभी डॉक्टर आए। उन्होंने कहा, एक्सक्यूज मी। सब उस तरफ पलटे। डॉक्टर ने कहा, क्या आप पेशेंट के रिलेटिव हैं? साधिका ने कहा, मैं उसकी माँ हूं डॉक्टर, मेरी बेटी। वो ठीक तो है ना? डॉक्टर ने कहा, शी लॉस्ट सो मच ब्लड। पेशेंट का ब्लड ग्रुप बी निगेटिव है। इट्स अ रियली रेयर ब्लड ग्रुप। हमारे हॉस्पिटल में ये ग्रुप अवेलेबल नहीं है। क्या आपका ब्लड ग्रुप उससे मिलता है? साधिका ने सिर हिलाकर कहा, नो डॉक्टर, मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। उसका ब्लड ग्रुप उसके पापा से मिलता है। डॉक्टर ने कहा, तो आप प्लीज उन्हें बुला लें, पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है। साधिका ने प्रिंसिपल की तरफ देखा तो प्रिंसिपल ने कहा, डॉक्टर, ही डाइड फ्यू इयर्स अगो। तभी काव्या ने कहा, डॉक्टर, मेरा ब्लड ग्रुप मैच करता है। साधिका ने उसकी तरफ देखा तो काव्या ने कहा, वो मेरी बहन है माँ। काव्या ने हाँ में सिर हिला दिया। डॉक्टर ने कहा, आप प्लीज मेरे साथ आइए जल्दी। काव्या डॉक्टर के साथ चली गई। साधिका फिर से बेंच पर बैठ गई। प्रिंसिपल भी उसके साथ बैठ गई और कीर्ति खड़ी रही। काव्या ने खून दिया, फिर अपनी बाजू पकड़कर बाहर आ गई। साधिका ने उसे देखा और फिर कहा, काव्या, तुम कीर्ति के साथ घर जाओ, जाकर नहा लो और कपड़े चेंज कर लो। काव्या ने कहा, मैं ठीक हूं मां, आई विल स्टे हियर। प्रिंसिपल ने कहा, साधिका सही कह रही बेटे, तुम खून देकर आई हो, यू नीड रेस्ट, और तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा चेहरा सब खून से रंगा है, जाकर फ्रेश हो जाओ। कीर्ति को भी साथ ले जाओ, हम हैं यहां पर तब तक। काव्या ने साधिका की तरफ देखा और फिर कहा, क्या मैं सुबह जल्दी आ सकती हूं? साधिका ने हां में सिर हिलाते हुए कहा, आ जाना, डॉक्टर ने कहा है कि वो सुबह तक ही कुछ बता सकते हैं। काव्या और कीर्ति विनी के घर पहुंचे। काव्या ने विनी से कहा, तुम हमारे रूम का वॉशरूम यूज कर लो, मैं मां के रूम में जा रही हूं। काव्या जाने लगी तो कीर्ति ने कहा, दी। काव्या रुक गई और उसकी तरफ पलटकर कहने लगी, हाँ, कुछ चाहिए? कीर्ति ने कहा, आज सर्वज्ञ और उसके दोस्तों ने विनी को सबके सामने इंसल्ट किया। सर्वज्ञ विनी को पार्टी में लेकर गया था, उसी के बाद विनी गायब थी, बट आज क्लास में उसने मना कर दिया कि वो किसी को पार्टी में नहीं ले गए थे। दी, मैं जानती हूं कि सच क्या है, एंड आई विल टेल मॉम एवरीथिंग। काव्या ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, अब इस बात का कोई फायदा नहीं है कीर्ति, विनी ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है। अगर तुमने कुछ कहा तो पता नहीं विनी को और क्या टॉलरेट करना पड़ेगा। दे आर रिच ब्रैट, विनी कहीं रेस्टिकेट ना हो जाए। तुम फिलहाल कुछ मत कहो। इतना कहकर काव्या ने उसे फ्रेश होने के लिए कहा। नहाने धोने के बाद काव्या और कीर्ति सो गई। काव्या की आंखों में जरा नींद नहीं थी। आखिरकार सुबह 3 बजते ही वो उठ गई और किचन में खाना बनाने लगी। आवाज सुनकर कीर्ति भी आ गई। उसे देखकर काव्या ने कहा, ओह आई एम सॉरी, मैंने जगा दिया तुम्हें। कीर्ति ने कहा, मुझे नींद नहीं आई दी, आप क्या कर रही हैं? काव्या ने कहा, माँ और मैम के लिए चाय नाश्ता बना रही हूं। कीर्ति ने कहा, लेट मी हेल्प यू। कीर्ति और काव्या ने जल्दी से सब बनाया और 4 बजे हॉस्पिटल पहुंच गई। साधिका ने बहुत कहने पर थोड़ा सा खाया। काव्या ने कहा, माँ डॉक्टर ने कुछ कहा? साधिका ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, अभी भी विनी बेहोश है, वो सुबह ही कुछ बता पाएंगे, वी हैव टू वेट। सुबह काव्या साधिका के कंधे पर सिर रखकर बैठी हुई थी। सामने प्रिंसिपल और कीर्ति बैठे हुए थे। तभी डॉक्टर आए। उन्हें देखकर वे चारों उठ खड़े हुए। साधिका ने कहा, डॉक्टर विनी कैसी है अब? डॉक्टर ने कहा, वैसे तो उसकी हालत अभी बेहतर है बट। काव्या ने डरते हुए कहा, बट वॉट डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी हैं, आइए मेरे साथ। इतना कहकर डॉक्टर उसे अपने केबिन में ले गए। डॉक्टर अपनी सीट पर बैठ गए और उनके सामने साधिका और प्रिंसिपल बैठ गए। काव्या और कीर्ति उनके पीछे खड़े हो गए। साधिका ने कहा, डॉक्टर कुछ प्रॉब्लम है क्या? डॉक्टर ने कहा, विनी की हालत अभी स्टेबल है, शाम तक उसे होश भी आ जाएगा, पर प्रॉब्लम यह है कि उसने अपनी नस काफी जोर से काटी है। कट बहुत ज्यादा डीप था, उसकी एक साथ 3 नसें डैमेज हो चुकी हैं,
खून पहले ही बहुत ज्यादा बह चुका था और जब उसे यहां लाया गया तब भी हमें खून को रोकने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग गया। इतना कहकर डॉक्टर चुप हो गए। काव्या ने कहा, तो डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा, खून ज्यादा बह जाने से उसके दिमाग में जाने वाली ऑक्सीजन काफी कम हो गई थी, इस वजह से वो पार्शियल कोमा में चली गई थी। इस वजह से उसके दिमाग के कुछ हिस्सों के सेल डैमेज हो गए और उसके दिमाग के कुछ सेंसिटिव सेल ने कोमा में जाने के बाद काम करना बंद कर दिया है। साधिका डॉक्टर की तरफ हैरानी से देख रही थी। उसने अटकते हुए कहा, कोमा? मेरी विनी कोमा में है? डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, आप समझी नहीं, पार्शियल कोमा में इंसान के दिमाग के कुछ हिस्से कोमा में होते हैं, पर विनी के दिमाग के हिस्से को ज्यादा नुकसान पहुंचा है, वो उसके दिमाग की फ्रंटल लोब है। कीर्ति ने कहा, जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है? डॉक्टर ने कहा, हां, विनी के फ्रंटल लोब को काफी नुकसान पहुंचा है। विनी पहले कैसी थी ये तो मुझे नहीं पता, पर हां, हो सकता है कि जागने के बाद वो बिल्कुल बदल जाए या फिर काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाए। हां, यह भी हो सकता है कि जिन चीजों से उसे एलर्जी हो उन चीजों को उसकी बॉडी एक्सेप्ट करना शुरू कर दे, या फिर उसकी बॉडी पर किसी चीज का कोई असर ही ना हो। काव्या ने कहा, डॉक्टर, इसका कोई इलाज नहीं है? डॉक्टर ने कहा, वेल, मैं आपको श्योरिटी नहीं दे सकता। विनी की बॉडी वैसे भी हमारी मेडिसिन को काफी मुश्किल से एक्सेप्ट कर रही है, पर आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा, फ्रंटल लोब के डैमेज हो जाने से और भी ज्यादा नुकसान है। आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि विनी किसी भी चीज का ज्यादा स्ट्रेस ना ले। वो चारों डॉक्टर के केबिन से बाहर आ गई। विनी अभी भी बेहोश थी। काव्या ने जिद करके प्रिंसिपल के साथ साधिका को थोड़ी देर के लिए घर भेज दिया। काव्या कीर्ति के साथ हॉस्पिटल में रुक गई। शाम को साधिका और प्रिंसिपल हॉस्पिटल वापस आ गए। विनी होश में नहीं आई थी। वो लोग बाहर ही बैठे थे तभी डॉक्टर ने आकर कहा, विनी को होश आ गया है। सब उठ खड़े हुए। काव्या ने कहा, डॉक्टर, कैन वी मीट हर? डॉक्टर ने कहा, हम उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट करने वाले हैं, आप तब मिल सकते हैं, पर याद रखिएगा उसके सामने जितना हो सके नॉर्मल रहने की कोशिश करिएगा। विनी को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। सब उससे मिलने गए। विनी ने सबकी तरफ देखा मगर कहा कुछ नहीं। साधिका ने उसके बेड के पास रखी हुई कुर्सी पर बैठकर कहा, विनी, कैसा फील कर रही हो बेटे? विनी ने मां की तरफ देखा और फिर आसपास देखकर कहा, हॉस्पिटल? हम घर पर थे ना? काव्या ने कहा, तुम्हें चोट लग गई थी विनी, तुम दो दिन से बेहोश थी। विनी ने अपनी बाजू की तरफ देखा जहां पट्टी बंधी हुई थी। विनी ने कहा, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। सबने पास खड़ी नर्स की तरफ देखा तो नर्स ने कहा, ज्यादा कमजोरी और दवाइयों की वजह से उन्हें नींद आ रही होगी। प्रिंसिपल ने कहा, इट्स ओके विनी, तुम रेस्ट कर लो, हम बाद में आ जाएंगे। विनी ने सिर हिलाते हुए आंखें बंद कर ली। वो सब बाहर आ गए। तभी सामने से डॉक्टर ने आकर पूछा, हाउस विनी? क्या वो पहले जैसी है? एनी चेंज? काव्या ने कहा, हमें कोई चेंज नहीं लगा डॉक्टर, वो पहले जैसी ही लगी, शांत और चुपचाप। डॉक्टर ने कहा, अगर ऐसी बात है तब तो सही है, आप फिलहाल उसका और ज्यादा ख्याल रखिएगा। इतना कहकर डॉक्टर चले गए। हेलो, आई एम यश में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम मॉरिस के साथ। मेरे यानी मॉरिस के साथ आप सुन रहे हैं हेलो आई एम यश, ऑथर अंकु ठाकुर, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। विनी को हॉस्पिटल में करीब एक हफ्ता हो गया था। काव्या और साधिका में से कोई ना कोई विनी के साथ रहता ही था।
प्रिंसिपल और कीर्ति भी विनी से मिलने आते रहते थे। इस सब में उन्हें विनी में कोई चेंज नजर नहीं आया। साधिका और काव्या को तसल्ली थी। एक दोपहर साधिका और काव्या विनी के साथ बैठे हुए थे कि तभी प्रिंसिपल आए। विनी का हाल पूछने के बाद उन्होंने साधिका से कहा, साधिका, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। साधिका ने कहा, जी मैम, कहिए। प्रिंसिपल ने झिझकते हुए कहा, वो स्कूल के बोर्ड डायरेक्टर्स ने तुम्हारी जगह किसी और टीचर को हायर कर लिया है। तुम्हें कल तक स्कूल क्वार्टर को खाली करना होगा। यह वो पहला पल था जब काव्या ने विनी के हाव भाव बदलते हुए देखे। विनी ने कहा कुछ नहीं और मुंह फेर लिया। साधिका ने गहरी सांस ली और फिर कहा, अच्छी बात है मैम, कल ही विनी भी डिस्चार्ज हो रही है, हम कल चले जाएंगे यहां से। प्रिंसिपल ने कहा, साधिका, तुम मेरे साथ रह सकती हो। साधिका ने कहा, कोई बात नहीं मैम, मेरे भाई भाभी दिल्ली में हैं, जब तक मैं कुछ और अरेंजमेंट नहीं कर लेती हम वहां रह सकते हैं। प्रिंसिपल ने गहरी सांस ली और फिर कहा, ठीक है, पर कोई भी प्रॉब्लम आए तो तुम मुझे कॉल करोगी, ओके। साधिका ने सिर हिलाते हुए हां कह दिया। अगले दिन साधिका कीर्ति के साथ मिलकर घर का सामान बाहर निकाल रही थी और काव्या विनी के साथ हॉस्पिटल में उसकी डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी पूरी कर रही थी। जब सब कुछ हो गया तो डॉक्टर ने उन्हें अपने केबिन में बुलाया। विनी और काव्या डॉक्टर के सामने बैठे हुए थे। डॉक्टर ने कहा, विनी, तुमने काफी जल्दी रिकवर किया, पर अब तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा। इफ यू फील एनी डिजीनेस और पेन, तुम एकदम यहां वापस आओगी, इज दैट ओके। विनी ने हां में सिर हिला दिया। काव्या ने विनी से कहा, विनी, तुम बाहर चलकर वेट करो, मैं अभी आती हूं। डॉक्टर ने विनी के जाने के बाद काव्या से पूछा, क्या बात है मिस काव्या, आप कुछ डिस्कस करना चाहती हैं? काव्या ने कहा, डॉक्टर, जैसा कि आपने कहा था कि विनी के ब्रेन में कुछ चेंज हुए हैं जिससे उसकी पर्सनालिटी एकदम बदल सकती है। डॉक्टर ने कहा, यस, बट आपने कहा था कि आपको कोई चेंज नजर नहीं आया, एवरीथिंग इज ओके। काव्या ने कहा, आई नो डॉक्टर, पर कल जब हमारे घर छोड़ने की बात हुई तो मैंने विनी के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन देखे, ऐसे मैंने विनी को कभी नहीं देखा। डॉक्टर ने कहा, काव्या, विनी के केस में आपको उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कई बार ऐसे केसेस में पेशेंट का एग्रेशन इतना बढ़ जाता है कि वो सामने वाले के साथ साथ खुद को भी नुकसान पहुंचा लेता है। विनी शांत है, पर कहीं ये तूफान से पहले की शांति ना हो। काव्या परेशान सी बाहर आ गई। साधिका टेम्पो को लेकर हॉस्पिटल के बाहर आ गई थी। वो दोनों भी टेम्पो में बैठ गईं और वो विनी के मामा के घर आ गए। उन तीनों को देखकर मामा ने तो कुछ नहीं कहा, मगर मामी का पारा चढ़ गया। उन्होंने साधिका से साफ कह दिया, माफ करना साधिका, पर हमारी सोसाइटी में कुछ इज्जत है। तुम अपनी इस बिगड़ी हुई बेटी को लेकर यहां आ गई, पर तुमने सोचा कि हम कैसे गुजारा करेंगे? मामा जी ने नाराज होते हुए कहा, चुप भी हो जाओ, विनी की तबीयत वैसे ही खराब है। और मामी ने कहा, तो क्या करूं, और तुम्हारी तनख्वाह में खुद घर का गुजारा करना मुश्किल है, तीन और पेट कहां से पालोगे? साधिका के पास तो नौकरी रही नहीं, और हमने नहीं कहा था कि दारू पीकर अपने स्कूल में हंगामा करने को। काव्या ने कहा, मामी, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? विनी, काव्या के कहते ही मामी ने उसे टोकते हुए कहा, तुम तो हमारे घर के मामलों में बोलो ही मत काव्या, साधिका की बेटी नहीं हो तुम, और ना ही मैं तुम्हारी मामी हूं। तुम्हें तो खुद शर्म होनी चाहिए कि अपनी सौतेली मां पर बोझ बनकर बैठी हो। इससे पहले कि कोई कुछ और कहता, विनी ने चिल्लाकर कहा, बहुत हो गया। सब विनी की तरफ देखने लगे। विनी को चिल्लाते हुए सबने पहली बार सुना था। विनी ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, कुछ भी कहने से पहले सोच लेना मामी जी, कि कहने को हमारे पास भी बहुत कुछ है। मामी ने हैरानी से विनी की तरफ देखा। साधिका ने विनी से कहा, विनी, क्या बोल रही हो तुम, चुप हो जाओ। विनी ने साधिका की बात को पूरी तरह अनसुनी करते हुए कहा, आपको अब हम बोझ लग रहे हैं? आप शायद भूल रही हैं कि जिस घर में आप रह रही हैं उसकी डाउन पेमेंट के लिए आपके पास पैसे नहीं थे, मां से पैसे लिए थे आपने, और आज तक शायद ही वापिस किए हों। मामी सन्न रह गई। उन्होंने कहा,
साधिका, मैं बोल रही हूं कि इसे चुप करवा लो, वरना। विनी ने तेज आवाज में जवाब देते हुए कहा, वरना वरना क्या कर लेंगी आप? और क्या कहा आपने, मैं बिगड़ी हुई हूं? आपका बेटा नशा करने के इल्जाम में जेल गया था, उसका क्या? तब मेरी मां ने बेल करवाई थी उसकी, और आपकी बेटी को चोरी करते हुए काव्या दी ने कई बार पकड़ा, उसका क्या? अब जब हमें जरूरत है तो आप आ गई ना अपनी असली औकात पर। सब विनी को देख रहे थे। विनी का ऐसा रूप पहले किसी ने नहीं देखा था। मामा जी की बेटी गुस्से में विनी की तरफ बढ़ी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे चोर बोलो? उसने विनी पर हाथ उठाना चाहा, पर विनी ने उससे पहले ही उसे जोरदार धक्का दे दिया। वो दूर जा गिरी और उसे कोहनी में जोर से चोट लग गई। मामी अपनी बेटी के पास पहुंची और उन्होंने कहा, साधिका तुम्हारी बेटी पागल हो चुकी है, ले जाओ उसे। साधिका ने विनी को खींचते हुए कहा, चलो यहां से, चलो तुम लोग। विनी ने कहा, सब मतलबी हो तुम लोग, भाड़ में जाओ सबके सब। काव्या और साधिका विनी को बाहर ले आए। तभी सामने से वही डॉक्टर उनके सामने आ गया। डॉक्टर ने उन्हें देखकर कहा, अरे आप लोग यहां पर? काव्या ने कहा, डॉक्टर आप यहां पर? डॉक्टर ने कहा, मैं भी इसी सोसाइटी में रहता हूं, पर आप लोग तो अपने रिलेटिव के यहां शिफ्ट होने वाले थे ना, तो फिर उसने इन तीनों के हाथों में बैग देखे। डॉक्टर ने कहा, आप सब मेरे साथ आइए। साधिका ने एकदम से कहा, नहीं डॉक्टर, हम कहीं और एडजस्ट कर लेंगे। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, इट्स ओके मैम, वैसे भी मैं अकेला रहता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रात हो चुकी है, इस टाइम आप कहां जाएंगी? साधिका ने कहा, मैं अपनी फ्रेंड को फोन कर लूंगी, वो हमें लेने आ जाएंगे। डॉक्टर ने कहा, जब तक वो नहीं आ जाते आप मेरे घर पर वेट कर सकते हैं। इससे पहले कि साधिका या काव्या कुछ कहती, विनी ने कहा, चलिए डॉक्टर, कहां है आपका घर? डॉक्टर ने मुस्कुराकर इशारा किया। काव्या और साधिका भी विनी और डॉक्टर के पीछे चले गए। वो लोग अंदर पहुंचे। साधिका ने प्रिंसिपल को फोन किया तो उन्होंने कहा कि वो दिल्ली से बाहर हैं, उन्हें पहुंचने में 6-7 घंटे लग जाएंगे। साधिका ने उन्हें डॉक्टर का पता दे दिया। साधिका ने फोन काटने के बाद विनी से कहा, तुम अपनी मामी से कैसे बात कर रही थी, ये कोई तरीका था? विनी ने पलटकर जवाब देते हुए कहा, और वो किस तरह से बात कर रही थी, आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगी? साधिका ने उसे एक पल के लिए देखा। यह पहली बार था जब विनी ने उन्हें पलटकर जवाब दिया था। साधिका ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है विनी, तुम मुझे जवाब दे रही हो? तुम्हें कहा है ना कि बड़ों को जवाब नहीं देते? विनी ने तेज आवाज में कहा, आप हमेशा मुझे ही क्यों कहती हैं, आप हमेशा मुझे ही क्यों रोकती हैं? विनी ये मत करो, ऐसे मत करो, आपने हमेशा मुझे लोगों से बात करने के लिए मना किया, कभी मुझे जानने का मौका ही नहीं दिया कि लोगों को कैसे परखा जाता है, सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है। हमेशा मुझ पर रोक लगाई पर यह नहीं बताया कि खुद को कैसे संभालते हैं। और कहते हुए अचानक विनी को झटका लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। साधिका, काव्या और डॉक्टर तीनों विनी की तरफ लपके। डॉक्टर ने विनी को उठाया और सोफे पर सुला दिया, फिर विनी की नब्ज चेक की। विनी की नब्ज काफी तेजी से चल रही थी। डॉक्टर ने अपने बैग से एक इंजेक्शन निकाला और विनी की बाजू पर लगा दिया, फिर कहने लगा, विनी का बीपी काफी हाई हो गया है, इस वजह से वो बेहोश हो गई। काव्या ने साधिका से गुस्से में कहा, मां आपको क्या हो गया है, आप जानते हैं कि विनी की हालत क्या है, और आप फिर भी? साधिका ने कहा, तो मैं क्या करूं, विनी की बातें सुनी तुमने काव्या? काव्या ने कहा, तो क्या गलत कहा मां उसने, पापा के जाने के बाद आपने उससे किसी से मिलने नहीं दिया, आप मुझे तो कुछ नहीं कहती मगर सारी रोक आपने विनी पर लगा दी, आपने उसे कभी किसी से बात तक नहीं करने दी, उसे बिल्कुल दब्बू बना लिया, उसे किताबों में डुबो दिया, आप जानते हैं कि विनी को बास्केटबॉल खेलना कितना पसंद है, आपने उसे खेलने नहीं दिया, वो कितनी अच्छी डांसर है पर वो डांस नहीं करती क्योंकि आपको पसंद नहीं है, आपने कभी उसे बढ़ने ही नहीं दिया मां, कभी उसे दोस्त बनाने ही नहीं दिए, तो उसे क्या पता कि कौन गलत है कौन सही? साधिका उसे हैरानी से देख रही थी। काव्या ने कहा, मां
बच्चों का विकास सब तरह से होता है। आपने कभी सुना नहीं कि विनी क्या चाहती है? साधिका चुप हो गई। उसने विनी की तरफ देखा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने विनी को उठाकर अंदर सुला दिया। साधिका भी विनी के साथ सो गई। डॉक्टर बाहर आया तो काव्या बालकनी में थी। उसने 2 कप कॉफी बनाई और काव्या के पास चला गया। उसने काव्या के सामने कॉफी का कप कर दिया। काव्या ने उसकी तरफ देखा और फिर कप लेते हुए कहा, थैंक्स। डॉक्टर ने कहा, इट्स ओके। काव्या ने कहा, तो आप इस चेंज की बात कर रहे थे जो विनी में आया है? डॉक्टर ने कहा, विनी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गई है, शी कांट हैंडल इट। काव्या ने कहा, डॉक्टर ने काव्या को टोकते हुए कहा, स्वर, मेरा नाम स्वर है, आप मुझे स्वर बुला सकती हैं। काव्या ने सिर हिलाते हुए कहा, स्वर, विनी को संभालने का कोई तो रास्ता होगा। स्वर ने कहा, उसे अपने गुस्से पर काबू करना सीखना होगा। काव्या सोच में डूब गई। तभी स्वर अंदर गया और फिर एक पेपर उठाकर उसने काव्या को दे दिया और कहा, यह विनी की हेल्प करेगा, विनी का गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। काव्या ने पेपर देखा और फिर कहा, मगर ये तो। हेलो, आई एम यश में आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM मॉरिस के साथ। मेरे यानी मॉरिस के साथ आप सुन रहे हैं हेलो आई एम यश, ऑथर अंकु ठाकुर, ओनली ऑन पॉकेट FM। स्वर ने कहा, हां, इनके कैंप हर 6 महीने के बाद लगते हैं। विनी को तब तक ये कैंप लगाने होंगे जब तक वो खुद को काबू में करना सीख नहीं जाती। और तभी पीछे से एक आवाज हुई। वो लोग अंदर पहुंचे तो विनी फ्रिज में से कुछ निकालकर पी रही थी। स्वर और काव्या उसके पास पहुंचे और काव्या ने कहा, विनी। विनी ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, मुझे प्यास लगी थी तो मैं पानी पी रही थी। स्वर ने बोतल की तरफ देखा और फिर कहा, तुमने ये पिया? विनी ने बोतल की तरफ देखा और फिर हां में सिर हिला दिया। डॉक्टर ने बोतल को देखकर कहा, तुम्हें जलन या फिर डिजीनेस नहीं हो रही? विनी ने ना में सिर हिला दिया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें कड़वापन महसूस नहीं हुआ? विनी ने फिर से ना में सिर हिला दिया। विनी ने कहा, मैं जाऊं सोने फिर से? विनी फिर सोने चली गई। साधिका भी बाहर आ गई। काव्या ने पूछा, क्या है ये? स्वर ने विनी के कमरे की तरफ देखते हुए कहा, वोडका। काव्या ने कहा, विनी ने वोडका पी लिया? साधिका ने भी चौंक कर कहा, विनी ने वोडका पिया? काव्या ने कहा, पर वो तो बिल्कुल नॉर्मल थी। स्वर ने गहरी सांस ली और फिर कहा, विनी ने जब नस काटी उसके दिमाग में अल्कोहल को लेकर काफी बुरे मूवमेंट्स थे, साथ ही उसका हैंगओवर भी अभी उतरा नहीं था। इस वजह से उसकी बॉडी और दिमाग अब अल्कोहल के टेस्ट और इफेक्ट के लिए बिल्कुल रेजिस्ट हो चुके हैं। तभी उसे ना टेस्ट का पता चला और ना उसे कुछ महसूस हुआ। साधिका ने काव्या की तरफ देखा और काव्या ने साधिका की तरफ। स्वर ने कहा, यह बात विनी को बतानी पड़ेगी। काव्या ने कहा, क्यों? स्वर ने बोतल दिखाते हुए कहा, ताकि वो फिर से पानी समझकर वोडका की आधी बोतल ना गटक ले। काव्या ने कहा, आप पहले भी कुछ कह रहे थे विनी के गुस्से को लेकर। स्वर ने कहा, हां, बेहतर होगा कि आप विनी को किसी दूसरी जगह ले जाएं। विनी यहां रहेगी तो उसका एग्रेशन बढ़ता ही जाएगा। राधिका ने कहा, पर हम दिल्ली छोड़कर कहां जाएंगे? काव्या ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मुझे पता है कि हम कहां जा सकते हैं। स्वर और साधिका ने काव्या को देखा तो काव्या मुस्कुरा दी। काव्या, विनी और साधिका रूम में सो गईं। स्वर क्योंकि अकेले ही रहता था तो उसने 1 BHK फ्लैट ही लिया था। वो हॉल में सोफे पर सो गया।
सुबह वो खटपट सुनकर जाग गया। वो किचन की तरफ गया तो साधिका चाय बना रही थी। साधिका उसे देखकर कहने लगी, तुम जाग गए बेटा, मैं चाय बना रही थी। स्वर ने कहा, आंटी मैं बना देता। साधिका ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना किया बेटे, मैं इतना तो कर ही सकती हूं। वैसे तुम अकेले रहते हो, फैमिली के साथ नहीं रहते? स्वर ने कहा, नहीं आंटी, मम्मी पापा की मौत 4 साल पहले कार एक्सीडेंट में हो गई थी। मैं इकलौता ही था और उनके जाने के बाद रिश्तेदार भी धीरे धीरे मुझे भूल गए। साधिका ने कहा, आई एम रियली सॉरी बेटे, मुझे पूछना नहीं चाहिए था। स्वर ने कहा, इट्स ओके आंटी, वैसे भी आप कहाँ जानती थी, और मुझे अकेले रहने का टाइम ही नहीं मिलता, सारा टाइम हॉस्पिटल में ही बीत जाता है। वैसे मैंने कहीं और अप्लाई किया है जॉब के लिए, इसलिए मैंने सस्ता फ्लैट लिया। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि काव्या वहां आ गई। काव्या ने उनींदी आवाज में कहा, माँ प्रिंसिपल मैम का फोन आया था, वो लोग नीचे आ गए हैं। साधिका ने कहा, मैं विनी को जगा देती हूँ, तब से सोई पड़ी है। इतना कहकर साधिका अंदर चली गई। काव्या ने स्वर से कहा, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। स्वर ने मुस्कुराकर कहा, कल रात से मैं थैंक यू ही सुन रहा हूं, मैंने बस वही किया जो एक डॉक्टर होने के नाते करना चाहिए था। वैसे आप लोग जा कहां रहे हैं अब? काव्या ने कहा, फिलहाल तो प्रिंसिपल मैम के साथ उनके घर, अभी हमें कुछ पैसों की भी जरूरत है, उसके बाद हम देहरादून चले जाएंगे। स्वर ने कहा, वहां क्यों? काव्या ने कहा, वहां मेरी मासी रहती हैं अपने बच्चों के साथ, अभी फिलहाल वही हैं जिनसे मैं मदद की उम्मीद कर सकती हूं। स्वर ने सिर हिला दिया। प्रिंसिपल मैम और कीर्ति उन्हें लेने आ गए। स्वर ने विनी से कहा, अपनी मेडिसिन लेते रहना और भूलना मत कि हर 6 महीने बाद तुम्हारा चेकअप जरूरी है, जब तक तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से हील नहीं हो जाती। विनी ने हां में सिर हिला दिया। राधिका ने स्वर से कहा, बेटे मैंने तुम्हारा नंबर अपने फोन में सेव कर लिया है, आई होप कि हम आगे भी तुमसे मिलते रहेंगे। स्वर ने कहा, जरूर आंटी, आखिर मैं और विनी बेस्ट फ्रेंड जो बन गए हैं, है ना विनी? कहकर स्वर ने विनी को हाई फाई दिया। विनी ने मुस्कुराकर ताली मार दी। वो तीनों प्रिंसिपल मैम और कीर्ति के साथ उनके घर आ गए। वो सब सोफे पर बैठकर बात कर रहे थे। प्रिंसिपल मैम ने कहा, देहरादून जाने के बाद भी अगर तुम लोगों को हेल्प नहीं मिली तो मैं कह रही हूं कि जब तक साधिका को नई नौकरी नहीं मिल जाती तुम लोग यहां रह सकते हो। काव्या ने कहा, मैम डॉक्टर ने कहा है कि विनी को बेहतर होगा कि हम इस माहौल से दूर ले जाएं। मैंने मासी से बात कर ली है, उन्होंने कहा है कि हम कभी भी आ सकते हैं। प्रिंसिपल मैम ने कहा, और अगर उनकी फैमिली को ऑब्जेक्शन हुआ तो? साधिका ने कहा, काव्या की मासी की फैमिली उनके साथ नहीं रहती, उनके पति की मौत काफी साल पहले हो चुकी है और ससुराल वालों ने उसके बाद उन्हें कोई सहारा नहीं दिया। वो अब अपने बच्चों के साथ रहती हैं और अपना खुद का रेस्टोरेंट चलाती हैं। प्रिंसिपल ने गहरी सांस ली और फिर कहा, ठीक है जैसा तुम्हें ठीक लगे, पर तुम कभी भी मुझे फोन कर सकती हो प्रॉब्लम के टाइम। साधिका मुस्कुरा दी। वो लोग अगले दिन सुबह देहरादून के लिए निकल गए। जाते जाते कीर्ति ने विनी से कहा, प्रॉमिस मी कि तुम वहां जाने के बाद मुझे नहीं भूलोगी और हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। विनी ने सिर हिला दिया और कीर्ति के गले लग गई। उसके बाद वो गाड़ी में बैठ गई। देहरादून जाते वक्त उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देहरादून पहुंचकर मासी ने उनका बहुत प्यार से स्वागत किया। कहने को तो वो सिर्फ काव्या की मासी थी, मगर उन्होंने इस बात का एहसास न काव्या को होने दिया ना ही विनी को। विनी भी वहां आकर थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी। मासी के बच्चे उसके साथ बिल्कुल घुलमिल गए थे। मासी ने रात के खाने के वक्त कहा, साधिका चिंता करने की कोई बात नहीं है, विनी भी उसी स्कूल चली जाएगी जहां मेरे ये दोनों नालायक जाते हैं। प्रिंसिपल मेरी जान पहचान का है, मैंने उससे पहले ही बात कर ली है। साधिका ने गहरी सांस ली और फिर कहा, थैंक यू सो मच दी, आप इतना कर रही हैं हमारे लिए।
मासी ने कहा, क्यों भाई, जैसे काव्या है मेरे लिए वैसे ही विनी है। काव्या और विनी में जब तुमने कभी कोई फर्क नहीं किया तो मैं क्यों करूं। अभी तो मिड टर्म एग्जाम्स के बाद छुट्टियां चल रही हैं, बस छुट्टियां खत्म होते ही विनी स्कूल जाएगी। साधिका ने काव्या से कहा, तुमने कहा था कि तुम्हारे प्लेसमेंट इंटरव्यू है फरवरी में, उनका क्या। काव्या ने कहा, उनका कुछ नहीं माँ, मैं इंटरव्यू देने के लिए जाऊंगी फिर देकर आ जाऊंगी। वैसे भी ज्वाइन तो हमें अप्रैल के बाद ही करने को मिलेगा, फाइनल एग्जाम्स के बाद, और फाइनल सेमेस्टर में मुझे थीसिस ही लिखनी है, तो मैं यहीं रहकर कंप्लीट कर लूंगी। मासी ने कहा, लो अब सारी मुश्किल हल। रही बात तुम्हारी साधिका, तो यहां बहुत से स्कूल हैं, जब तक तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिल जाती तब तक रेस्टोरेंट संभालो मेरे साथ। साधिका ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। रात को काव्या जब सोने गई तो विनी खिड़की के बाहर देख रही थी। काव्या उसके पास गई और उसने पूछा, विनी क्या हुआ, नींद नहीं आ रही। विनी ने कहा, दी ये सच है ना कि लोग क्लास और शक्ल देखकर दोस्ती करते हैं। काव्या ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, जो हुआ उसे भूल जाओ बच्चे, एक नई शुरुआत करो। विनी उसकी तरफ पलटी और उसने कहा, मुझे एक नई शुरुआत करनी है दी। काव्या ने उसे देखा और फिर कहा, क्या करना चाहती हो तुम। हेलो आई एम यश में आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM मॉरिस के साथ। मेरे यानी मॉरिस के साथ आप सुन रहे हैं हेलो आई एम यश, ऑथर अंकु ठाकुर, ओनली ऑन पॉकेट FM। विनी ने कहा, मुझे वो सब करना है जो मैं करना चाहती हूं। बचपन में जब आप बास्केटबॉल में मेडल जीतकर आती थी मेरा भी बहुत मन करता था, पर मां की वजह से मैंने कभी नहीं खेला। पर अब मुझे हर चीज सीखनी है, मुझे खुद को बदलना है दी। काव्या ने कहा, अगर तुम दूसरों की वजह से यह सब कर रही हो तो। विनी ने एकदम से कहा, यह मुझे अपने लिए करना है दी। काव्या ने कहा, ओके देन, तुम्हारा जो मन करता है करो, आई विल हेल्प यू। विनी ने कहा, पर मां। काव्या ने मुस्कुराकर कहा, मां कुछ नहीं कहेंगी, और कहेंगी भी तो मैं हूं ना, और हां मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। इतना कहकर काव्या गई और अपने बैग से वो पेपर निकाल कर लाई जो स्वर ने उसे दिया था। उसने वो विनी को देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए है, इनके कैंप हर 6 महीने बाद लगते हैं, अब अप्रैल में है, मैंने तुम्हारी रजिस्ट्रेशन करवा दी है। विनी ने पेपर देखा और उसके गले लगकर कहने लगी, यू आर द बेस्ट दी। काव्या ने भी उसे बाहों में भरते हुए कहा, चलो अब चलकर सो जाओ, सुबह से एक नई शुरुआत करेंगे। अगली सुबह से वो एक नई जिंदगी जीने की कोशिश करने लगे। विनी के बदलाव को साधिका भी एक्सेप्ट करने लगी। रोज शाम को विनी काव्या और मासी के बच्चों के साथ बास्केटबॉल खेलती। मासी के बच्चे स्विमिंग सीखने जाते थे। मासी ने जिद करके अपने पैसों से विनी की फीस भी भर दी। विनी भी जाने लगी। पुराना साल खत्म हुआ और विनी के लिए एक नया तोहफा लेकर आया। विनी के ब्रेस भी निकल गए। स्वर अक्सर विनी से मिलने आ जाता था। विनी की डाइट, उसकी हेल्थ, सबका ख्याल स्वर ही रखता था। बहुत कम समय में स्वर के साथ उन लोगों का अनजाने में ही एक गहरा रिश्ता बन गया था। उसने विनी के चश्मे का नंबर कम करने के लिए उसे खास योगा भी बताए। फरवरी में काव्या का इंटरव्यू था। साधिका ने स्वर को बताया तो उसने कहा, यह तो अच्छी बात है, काव्या से कहिएगा जैसे ही इंटरव्यू खत्म होता है मुझे कॉल कर ले, मैं उसके साथ देहरादून आ जाऊंगा, मैं भी आप लोगों से जाने से पहले मिलना चाहता था एक बार। साधिका ने हैरानी से कहा, कहां जा रहे हो तुम। इसके पहले कि स्वर बताता आवाज आई कि स्वर को ओटी में बुलाया जा रहा है। स्वर ने कहा, आंटी मैं बाद में बात करता हूं, मुझे जाना होगा।
इतना कहकर वो चला गया। जिस दिन काव्या का इंटरव्यू था उसके अगले दिन विनी का स्कूल में पहला दिन था। विनी ने अपनी बहन को गुड लक विश किया तो काव्या ने कहा, अगर मैं कल टाइम पर ना आ पाई तो तुम्हें भी ऑल द बेस्ट। काव्या अपने इंटरव्यू में थी। स्वर उसे लेने के लिए उसकी यूनिवर्सिटी के बाहर आ गया। जब काव्या बाहर निकली तो उसका चेहरा बुझ चुका था। स्वर को देखकर वो फीके चेहरे से मुस्कुरा दी। फिर वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। स्वर ने रास्ते में कहा, आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया? काव्या ने गहरी सांस ली और फिर कहा, आई गॉट सेलेक्टेड इन माई फर्स्ट इंटरव्यू। स्वर ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, वॉट, दैट्स ब्रिलियंट, पर फिर आपने मुंह क्यों लटका रखा है? आपको कंपनी पसंद नहीं? काव्या ने कहा, इट वॉज माई ड्रीम कंपनी। स्वर ने कहा, तो जॉब की जगह पसंद नहीं? काव्या ने बिना उसकी तरफ देखकर कहा, इट वॉज माई ड्रीम डेस्टिनेशन। स्वर ने चिढ़कर कहा, देन व्हाट्स द प्रॉब्लम? काव्या ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। स्वर ने हैरानी से कहा, मतलब? काव्या ने कहा, वो एक इंटरनेशनल कंपनी है, जॉब के लिए मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ेगा। पासपोर्ट वीजा तक तो ठीक है, पर 2 महीने तक मेरा सिर्फ ट्रेनिंग पीरियड होगा। उस टाइम में मुझे रहने और खाने पीने का खर्चा खुद उठाना पड़ेगा। उसके लिए मेरे अकाउंट में कम से कम 2 लाख रुपए मुझे शो करने पड़ेंगे। स्वर ने कहा, आंटी को पता है? काव्या ने कहा, नहीं, मां को बताऊंगी तो वो कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगी, पर पहले भी विनी को लेकर वो परेशान है और मैं मासी पर और बर्डन नहीं डालना चाहती। उनके खुद के 2 बच्चे हैं, एक ही रास्ता है, अगर वहां पर कोई मेरा जान पहचान का हो, पर ऑस्ट्रेलिया में मेरा कोई नहीं है। इतना सुनना था कि स्वर ने जोर से ब्रेक लगाई और कहा, क्या कहा आपने? ऑस्ट्रेलिया? काव्या ने हां में सिर हिला दिया। स्वर ने कहा, कब जाना है आपने? काव्या ने कहा, मई एंड में। स्वर ने मुस्कुराकर गाड़ी फिर से चला दी और कहा, आप मेरे साथ रह सकती हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। काव्या ने स्वर को देखा तो उसने कहा, मैंने 4 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई किया था, मेरी सारी पढ़ाई वहीं से हुई है, मेरे पेरेंट्स वहीं रहते थे, वो मेरे लिए इंडिया में हॉस्पिटल खोलना चाहते थे। 4 साल पहले वो एक हॉस्पिटल के प्रपोजल की वजह से यहाँ आए और एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। प्रॉपर्टी की सेटलमेंट के लिए मुझे भी यहाँ आना पड़ा। 2 साल से दिल्ली में तभी था मैं। अब जब सब सेट हो गया है तो मैं वापस जा रहा हूँ। जिस मेडिकल कॉलेज से मैंने पढ़ाई कंप्लीट की थी वहीं मैं एक्सेप्ट हो गया हूँ। काव्या ने हैरानी से कहा, पर आप मेरी हेल्प क्यों? स्वर ने कहा, आई डोंट हैव एनी फैमिली, पर इतने टाइम बाद जब आप लोगों से मिला तो फैमिली की फीलिंग आई। एंड डोंट वरी, जैसे ही आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म होगा आप मुझे रेंट दे सकती हैं। काव्या ने कहा, मुझे सोचना पड़ेगा। स्वर ने ओके कहकर सिर हिला दिया। वो लोग जब घर पहुंचे तो साधिका ने स्वर से सब डिस्कस किया। स्वर उन्हें अच्छा लगता था, पर उससे मिले उन्हें वक्त ही कितना हुआ था। स्वर ने कहा, आप फिक्र ना करें आंटी, मैं सभी कागजात पर एज ए रिलेटिव साइन कर दूंगा, और मेरे घर में ना सही, काव्या हॉस्टल में रह सकती है। 2 महीने की तो बात है, तब तक मैं संभाल लूंगा। उसके बाद जब काव्या की जॉब सिक्योर हो जाएगी, शी कैन पे मी बैक। स्वर के प्रपोजल पर सब तैयार हो ही गए। साधिका ने स्वर का हाथ पकड़ा और कहा, तुम एक फरिश्ता बन के आए हो बेटे। स्वर ने मुस्कुराकर कहा, आंटी आप मुझे बेटा कहती हैं ना, तो इतना तो मैं कर ही सकता हूं, और फिर आखिर आप मेरी बेस्ट फ्रेंड विनी की मां हैं। सब उसकी बात पर हंस पड़े, क्योंकि कल विनी का पहला दिन था स्कूल में और स्वर 1 हफ्ते के अंदर ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, तो विनी और बाकी सब ने जिद करके स्वर को अगली शाम तक रोक लिया। विनी अगले दिन मासी के बच्चों के साथ पहली बार उस स्कूल गई।
क्लास टीचर ने विनी को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहा। विनी ने कहा, हेलो, आई एम यशस्विनी सिंह, आई एम फ्रॉम रॉयल वॉरियर्स दिल्ली। विनी ने अपनी उंगलियों को क्रॉस करके रखा था कि कोई उससे ये ना पूछे कि वो फाइनल एग्जाम के नजदीक स्कूल चेंज करके क्यों आई। तभी एक लड़के ने हाथ ऊपर किया। टीचर ने कहा, हाँ बेटे, तुम्हें कुछ पूछना है यशस्विनी से? देन गो अहेड। विनी का दिल जोर से धड़कने लगा। उस लड़के ने कहा, यशस्विनी कुछ ज्यादा ही लंबा नाम नहीं है? सारी क्लास ने एक साथ हां बोला। विनी कुछ कहती उससे पहले ही मासी के बेटे ने उठकर कहा, वी कैन कॉल हर यश, राइट? सारी क्लास ने सहमति जताई। टीचर ने मुस्कुराकर कहा, सो यशस्विनी, आई थिंक यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ अगेन। यश ने क्लास की तरफ कॉन्फिडेंस के साथ देखा और फिर कहा, हेलो, आई एम यश। सब ने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। टीचर ने कहा, सो यश को कौन अपना सीटमेट बनाना चाहता है? सारी क्लास ने हाथ खड़ा कर दिया। टीचर ने उसे क्लास के टॉपर के साथ बिठा दिया। शाम को यश के स्कूल से आने के बाद स्वर काव्या से मई में आने का वादा लेकर चला गया। एक हफ्ते बाद उसका फोन आया कि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल चुका है। वहां पहुंचकर उसने फिर फोन किया। उसके बाद काव्या अपनी थीसिस में और यश स्कूल में बिजी हो गई। उसके नए क्लासमेट्स पुरानी क्लासमेट्स की तरह बिल्कुल भी नहीं थे। सब उससे अच्छे से रहते थे। यश ने बास्केटबॉल खेलना नहीं छोड़ा और जल्द ही स्कूल टीम में जगह बना ली। उसे लंबे बालों के साथ खेलने में दिक्कत होती थी तो उसने बाल कटवा लिए। साधिका का गुस्सा सातवें आसमान पर था, पर मासी और काव्या ने उसे बचा लिया। मई में काव्या भी ऑस्ट्रेलिया चली गई। मासी, माँ और सभी भाई बहनों ने भरी आंखों से उसे विदा किया, मगर स्वर ने उसका बहुत अच्छा ख्याल रखा। 2 महीने तक वो हॉस्टल में रही तो स्वर उससे मिलने अक्सर आ जाया करता था। 2 महीने बाद जब जॉब सिक्योर हो गई और काव्या कंपनी के क्वार्टर्स में शिफ्ट हो गई, मगर तब भी स्वर और उसकी दोस्ती बरकरार रही। हेलो, आई एम यश में आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम मॉरिस के साथ। मेरे यानी मॉरिस के साथ आप सुन रहे हैं हेलो आई एम यश, ऑथर अंकु ठाकुर, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। यश 11th में टॉप नहीं कर पाई, मगर 12th में उसने फिर टॉप कर लिया। स्कूल में कोई उससे जलता नहीं था, सब उसके दोस्त थे। उसने काव्या के बताए हुए कैंप 3 बार अटेंड कर लिए थे और अपने आप पर काबू पाना वो सीख चुकी थी। अब उसके सामने कोई कुछ भी कह दे वो रिएक्ट नहीं करती थी। काव्या को गए हुए 1 साल हो गया। उसने स्वर की मदद से घर ले लिया था। वो सबको वहां ले जाना चाहती थी, पर मासी ने साफ कह दिया, मैं अपना रेस्टोरेंट छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, मैं कहीं नहीं जा रही अपना घर छोड़कर। उसी वक्त यश का SU यूनिवर्सिटी में दिए हुए टेस्ट का रिजल्ट आ गया। यश सिलेक्ट हो चुकी थी। ये यूनिवर्सिटी यश का सपना थी। इसके चलते साधिका ने भी मना कर दिया, मगर मासी और यश ने उसे काव्या के अकेलेपन का वास्ता देकर भेज दिया। मासी के बच्चे भी यश के साथ अपना करियर भारत में ही बनाना चाहते थे, तो वे भी नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वो भी नहीं गए। आज काव्या और मां ऑस्ट्रेलिया में हैं और यश यहां पर SU में। स्वर उनकी फैमिली का एक हिस्सा बन चुका है और यश मासी के पास अक्सर आती जाती रहती है। यश ने एक गहरी सांस ली, फिर अपने हाथ के ऊपर से टी शर्ट की स्लीव को ऊपर किया। वो कट का निशान आज भी उसके हाथ पर था और काफी गहरा था। यश ने स्लीव नीचे की और खुद से कहने लगी, आई एम यश।
तभी पीछे से आवाज आई, यश। उसने पीछे देखा तो रे हांफ रही थी। यश ने कहा, क्या हुआ? रे ने कहा, निशांत और विराज फाइट। रे ने कहते हुए फाइट करने का इशारा किया। यश ने एकदम से कहा, व्हाट? इतना कहते हुए वो दौड़ती हुई नीचे उतरी और रे उसके पीछे भागी। वो लोग लाइब्रेरी के बाहर पहुंचे तो विराज और निशांत ने एक दूसरे को कॉलर से पकड़ा हुआ था। समायरा विराज के ठीक पीछे खड़ी थी, निशांत के पीछे उसके चमचे खड़े थे। यश उनके पास पहुंची और उसने विराज का हाथ पकड़कर कहा, विराज, लीव हिम राइट नाउ। विराज ने निशांत को धक्का देकर छोड़ दिया। तभी सर्वज्ञ, मयंक और अनुज भी वहां पहुंच गए। सर्वज्ञ ने समायरा से पूछा, समायरा, व्हाट हैपेंड? समायरा ने सर्वज्ञ की तरफ देखा तो समायरा की आंखों में आंसू थे। सर्वज्ञ ने निशांत की तरफ देखा और उसने कहा, यू बास्टर्ड। इतना कहकर उसने निशांत को आगे बढ़कर पंच मार दिया। सब चौंक उठे। निशांत ने अपने होठों पर हाथ फिराया तो उसके होठों के किनारे से खून बह चला था। निशांत ने सर्वज्ञ की तरफ हाथ उठाया ही था कि यश उन दोनों के बीच में आकर खड़ी हो गई। यश ने निशांत को घूरा और फिर कहा, निशांत, इनफ इज इनफ। निशांत ने उसे देखा और फिर उसके पीछे खड़े सर्वज्ञ को देखा। फिर मुस्कुराकर उसने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत इंसान को चूज कर रही हो? ही पंच्ड मी फर्स्ट। यश ने कहा, दैट्स बिकॉज यू मिसबिहेव विद सैम, यू डिजर्व दैट। निशांत ने उसे घूरा और कहा, मैंने सुना है कि ये वही लड़का है जिसने तुम्हें पूरे रॉयल वॉरियर्स के सामने रिजेक्ट कर दिया था। यश ने एकदम से कहा, फर्स्ट थिंग, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, एंड सेकेंड थिंग, डोंट इंटरफेयर इन अदर्स मैटर। निशांत ने मुस्कुराकर कहा, तुम कोई पराई थोड़ी हो, यू आर माइन, यू आर माई गर्ल आफ्टर ऑल। इतना कहकर उसने यश के चेहरे को उंगली से छुआ। उसके छूते ही यश ने उसकी उंगली पकड़ी और निशांत का हाथ उसकी पीठ की तरफ ले जाकर पूरी तरह से मरोड़ दिया। निशांत पूरी तरह से नीचे झुक गया। यश ने कसकर उसके हाथ को मोड़ते हुए कहा, अगर तुमने अपनी हरकतें बंद नहीं की, देन आई विल मेक यू स्टॉप इन माई वे, रिमेंबर दैट। कहकर उसने निशांत को धक्का देते हुए छोड़ दिया। निशांत आगे जा गिरा। यश ने पीछे मुड़कर कहा, तुम सब गो टू योर क्लास, ही इज जस्ट अ स्कैम बैग। सब अपनी अपनी क्लास में चले गए। यश ने मुड़कर निशांत को देखा जो हाथ झाड़ते हुए फर्श पर बैठ गया था। फिर वो सिर झटक कर चली गई। बाकी सब भी उसके पीछे चले गए। उसके जाते ही निशांत कहने लगा, डोंट वरी यश, तुम भी किसी दिन ऐसे ही नीचे गिरोगी, आई विल मेक दैट हैपन फॉर श्योर। यश, विराज, रे, सर्वज्ञ, समायरा, अनुज और मयंक सब गार्डन में थे। रे ने समायरा से कहा, यार मैंने तुमसे कहा था ना कि निशान तुम्हें टारगेट कर रहा है, डोंट गो एनीवेयर अलोन। समायरा ने कहा, मैं अकेली नहीं थी, आई वॉज विद आना, वही मुझे लेकर गई थी लाइब्रेरी। रे ने कहा, देन वेयर इज शी? समायरा ने कहा, आई डोंट नो, मैं उसे ढूंढ रही थी कि वो मेरे सामने आ गया। थैंक गॉड कि विराज टाइम पर आ गया, वरना। सर्वज्ञ ने विराज की तरफ देखा और फिर कहा, सो यू सेव्ड हर। विराज ने उसे घूरा और फिर कहा, क्यों, नहीं करना चाहिए था? सर्वज्ञ कुछ कहने जा रहा था कि यश ने कहा, गाइस प्लीज डोंट स्टार्ट अगेन, बच्चे नहीं हो तुम। मयंक ने कहा, हाँ यार सर्वज्ञ, सैम ठीक है और निशांत उसे बुली नहीं कर पाया, दिस इज द मेन थिंग राइट नाउ। विराज ने कहा, निशांत का बच्चा, एक साल पहले उसने यश को भी परेशान करने की कोशिश की थी और अब समायरा को टारगेट कर रहा है। सर्वज्ञ ने हैरानी से कहा, उसने यश को परेशान करने की कोशिश की थी, रियली? विराज ने कहा, हां, पर जब तक मैं यश के साथ हूं तब तक ऐसे चूजे यश के आसपास भी नहीं फटक सकते। विराज की बात सुनकर सर्वज्ञ के चेहरे पर अजीब से भाव आए जिसे समायरा ने साफ महसूस किया। रे ने कहा, निशांत की ही मेहरबानी है, सारा डिपार्टमेंट जानता है कि रॉयल वॉरियर्स में क्या हुआ था। अनुज ने कहा, मतलब? निशांत ने सबको बताया, पर वो रॉयल वॉरियर्स का स्टूडेंट नहीं है,
विराज ने कहा, पता है बॉस, निशांत लखनऊ में पढ़ा है। एक साल पहले जब वो मास्टर्स के पहले साल में आया था तब हम बैचलर डिग्री के लास्ट ईयर में थे। फ्रेशर पार्टी से ही उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। वो यश को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था पर यश ने उसे इग्नोर करना ही बेहतर समझा। इसी बीच उसका कोई कजन दिल्ली से आया था जो रॉयल वॉरियर्स में तुम्हारा जूनियर था। उसी ने यश के पास्ट के बारे में निशांत को बताया। निशांत ने बदला लेने के लिए यश की पुरानी पिक्चर्स और जो भी रॉयल वॉरियर्स में हुआ था वो यूनिवर्सिटी फॉर्म पर डाल दिया। रे ने कहा, कैप्शन याद है तुझे, क्या लिखा था उसने? विराज ने कहा, ऑफ कोर्स, कैप्शन डाला था फेकनेस ओवरलोड। पूरे डिपार्टमेंट में बात आग की तरह फैली थी। समायरा ने कहा, तभी सारे डिपार्टमेंट को पता है। पर हाउ डिड यू सॉल्व दिस मैटर? यश ने गहरी सांस ली और फिर कहा, जब हम क्लास में गए तो नजरें घूर रही थी हमें। दे ऑल वर टॉकिंग अबाउट मी एंड देन, बताते बताते यश उस दिन के फ्लैशबैक में चली गई। क्लास की घूरती नजरें यश से बर्दाश्त नहीं हुई। वो उठी और उसने अपना फोन प्रोजेक्टर से जोड़ दिया। फिर उसने प्रोजेक्टर ऑन कर दिया। सारी क्लास उसकी कारस्तानी देख रही थी। प्रोजेक्टर ऑन होते ही यश की रॉयल वॉरियर्स की पिक्चर सामने आ गई। सब चौंक गए, कुछ वीडियो बनाने लगे। यश ने कहा, तो आप लोगों ने ये पिक्चर्स पहले भी देखी होंगी, ये 3 साल पहले की हैं। और बाकी जो भी आपने सुना मेरे बारे में कि मैंने ड्रिंक की हुई थी और मुझे स्कूल से ट्रांसफर कर दिया गया था और किसी लड़के ने पूरी क्लास के सामने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, तो वो सब र्यूमर्स सच हैं। सारी क्लास में खुशफुसाहट मच गई। यश ने आगे कहा, ये मेरा पास्ट है, हम सबका होता है। मैंने अपने पास्ट से सीख ली और खुद को अपडेट किया, खुद को बेटर बनाया। इंसान गलतियों से ही सीखता है, नोबडी इज परफेक्ट। उस टाइम मैंने जो मिस्टेक्स की मैंने उन्हें रिपीट ना करने का वादा खुद से किया है। क्या मैंने कुछ गलत किया? अगर मैंने खुद को बेहतर बनाना चाहा तो क्या गलत किया कुछ? कोई ऐसा है यहां पर जो ये कह सके कि 3 साल में उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया? सब चुप होकर यश की बातें सुन रहे थे। यश ने आगे कहा, हम अपने पास्ट को लेकर बैठे रहते हैं पर जो पास्ट का एक्सपीरियंस है उसे यूज करके हम खुद को अपडेट भी कर सकते हैं, कांट वी? और रही बात मेरी इन पिक्चर्स की, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इन्हें दिखाने में, क्योंकि बोरिंग या फिर कूल ना दिखना इज नॉट अ क्राइम। स्टॉप जजिंग एनी वन बाय देयर लुक्स। मैंने खुद को अपडेट किया है, बदला नहीं है। मेरा नेचर, मेरा कैरेक्टर, मेरा बिहेवियर सब वैसा ही है। डिड आई एवर डू एनीथिंग रॉन्ग टू एनी वन? वॉज आई मीन टू एनी वन? वॉज आई रूड? सो वाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस? जस्ट बिकॉज ऑफ माई पास्ट? ओके देन, तुम लोगों को भी अगर मुझे जज करना ही है देन गो अहेड। इतना कहकर यश स्टेज से आने लगी कि तभी एक लड़के ने उठकर कहा, वी आर नॉट जजिंग यू यश, तुम हमारी आइडल हो और अब तो तुमने साबित भी कर दिया है कि तुम सच में एक इंस्पिरेशन हो। एक लड़की ने कहा, ऑफ कोर्स, एक लड़की अगर ब्रश पहनती है और चश्मा लगाती है इसका यह मतलब नहीं है कि तुम सब उसे कुछ भी बोलो। हमारे डिपार्टमेंट में भी कितनी लड़कियों ने चश्मा लगाया है। और एक लड़के ने कहा, वी आर फैमिली गाइज, अ हैप्पी बिग फैमिली, और निशांत जैसे छिछुंदर हमारी फैमिली में फूट नहीं डलवा सकते। सब ने उसकी बातों पर सहमति जताई और ताली बजाते हुए हूटिंग करने लगे। किसी ने यश की यह वीडियो भी फॉर्म पर डाल दी। जल्द ही वीडियो वायरल हो गई और निशांत का पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। हेलो, आई एम यश में आगे क्या होगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम मॉरिस के साथ। मेरे यानी मॉरिस के साथ आप सुन रहे हैं हेलो आई एम यश, ऑथर अंकु ठाकुर।
ओनली ऑन पॉकेट एफएम। यश यादों से बाहर आ गई। रे ने कहा, निशांत को तब से यूनिवर्सिटी में कोई पसंद नहीं करता। यश ने कहा, उसकी शक्ल ही नहीं पसंद किसी को, आई रियली हेट हिम। विराज ने कहा, मैंने कहा है ना, जब तक मैं हूं कोई भी लड़का तुम्हारे पास फटक नहीं सकता। सर्वज्ञ ने विराज को देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर अपना सिर झुका लिया। समायरा ने यश के पास आकर कहा, यश आई एम सॉरी। यश ने उसे हैरानी से देखा और फिर कहा, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? तुमने कुछ नहीं, समायरा ने उसे टोकते हुए कहा। नॉट फॉर टूडे, स्कूल में आई ऑलवेज बुलीड यू, पर आज जब मेरे साथ सेम चीज हुई तब मुझे पता लगा कि कैसा लगता है बुली होना। आई एम सॉरी फॉर दैट, यश ने मुस्कुराकर कहा। भूल जाओ सब सैम, मैं सब भूल चुकी हूं, अब इन सबका कोई मतलब नहीं रहा। तभी अचानक उसे कुछ याद आया और उसने कहा, शिट। सबने उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, मुझे मेहता सर ने बुलाया था, आई हैव टू गो, मैं बाद में मिलती हूं। इतना कहकर वो तेजी से निकल गई। विराज ने रे की तरफ देखा और फिर कहा, अपन भी चलें, भूख लगी है मुझे, कुछ खाने चलते हैं। रे ने समायरा की तरफ देखा और फिर कहा, सैम तुम भी चलो, कैंटीन के बाद हम सीधा डॉर्मेट्री चले जाएंगे। विराज ने रे से कहा, ये क्यों? रे ने कहा, आई कांट लीव हर अलोन। विराज ने सिर हिलाया और फिर कहा, ठीक है पर जल्दी चलो। वो लोग जाने लगे तभी सर्वज्ञ ने कहा, विराज। विराज, समायरा और रे पीछे घूम गए। सर्वज्ञ ने कहा, लेट्स हैव अ फेयर कॉम्पिटिशन। मयंक और अनुज के साथ साथ उन तीनों ने भी उसे हैरानी से देखा। विराज ने कहा, कॉम्पिटिशन फॉर वॉट? सर्वज्ञ ने एकदम से कहा, फॉर यश। सब चौंक उठे। सर्वज्ञ ने आगे कहा, तुमने कहा कि जब तक तुम यश के साथ हो कोई दूसरा लड़का यश के पास भी फटक नहीं सकता। पास्ट में हम सबके बीच जो कुछ भी हुआ, मैं उस सब को ठीक करने की कोशिश करना चाहता हूं। मैं यश से फिर दोस्ती करना चाहता हूं। आई नो यू लाइक हर, और तुम नहीं चाहोगे कि वो किसी दूसरे लड़के के क्लोज हो, बट। उसके कहते ही विराज ने उसे टोकते हुए कहा, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि यश की लाइफ में कोई भी लड़का आए। मुझे क्या, दुनिया के किसी भाई को अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी बहन का कोई लड़का दोस्त हो। रे के अलावा सब चौंक गए। मयंक और अनुज ने हैरानी से कहा, भाई? विराज ने कहा, हाँ भाई, मैं यश की मासी का बेटा हूं, बहन है वो मेरी। दिल्ली छोड़ने के बाद वो हमारे साथ ही रही है देहरादून में, तभी हम इतने क्लोज हैं। और ये रे, ये जुड़वा बहन है मेरी, और यश मेरी कजन। रे ने सबके चेहरे देखे और फिर जोर से हंस पड़ी। उसने हंसते हुए कहा, इनको लगा कि तुम और यश। विराज ने कहा, भाई बहन है हम, डोंट गेट रॉन्ग आइडिया। इतना कहकर उसने समायरा और रे से कहा, खाने चलें, इनकी बकवास सुनकर मेरी भूख और बढ़ गई है। वे तीनों चले गए। सर्वज्ञ, मयंक और अनुज वहीं हैरान होकर खड़े रहे। निशांत थिएटर क्लब के पीछे बालकनी में आया तो वहां आहना खड़ी थी। उसकी आहट पाकर आहना उसकी तरफ पलट गई। निशांत ने चिढ़ते हुए कहा, क्यों बुलाया तुमने मुझे यहां? आहना ने उसे घूरा और फिर कहा, तुम एक काम ठीक से नहीं कर सकते। मैंने तुमसे कहा था कि मैं समायरा को लाइब्रेरी आकर अकेला छोड़ दूंगी, और फिर तुम उसे बुली कर सकते हो। एंड देन हम यश को टारगेट कर सकते हैं कि उसकी वजह से डिपार्टमेंट के लोगों को बुली किया जा रहा है। समायरा तुम्हें अकेली मिल तो गई थी। निशांत ने कहा, मैंने प्लान के तरीके से उसे बुली किया, बट आई डोंट नो कि वो विराज कहां से बीच में आ गया। आहना ने कहा, आई डोंट वॉन्ट एनी एक्सक्यूज, अगली बार मैं समायरा को किसी दूसरी जगह ले जाऊंगी जहां वो लोग ना आ सकें। बस समायरा के दिमाग में ये बात डालनी है कि जो कुछ उसके साथ हुआ उसका रीजन यश थी, दैट्स इट, समझे तुम? तभी दरवाजे के पीछे एक आवाज हुई। आहना और निशांत चौंक उठे। निशांत ने दरवाजे के पीछे देखा
तो कोई नहीं था। निशांत ने कहा, नो वन इज हियर। शायद हवा से हिल गया होगा। वेल ओके देन, प्लान तैयार करके मुझे बता देना, मैं रेडी रहूंगा। आहना ने कहा, इस बार कोई गलती नहीं करना वरना मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। निशांत ने ओके कहा और फिर वहां से चला गया। आहना ने भी इधर उधर देखा और वो भी वहां से निकल गई। समायरा, विराज और रे कैंटीन में बैठे थे। विराज ने नूडल्स मंगवाए और उसमें ढेर सारी टोमेटो और चिली सॉस डाल ली। रे ने उसे ऐसे देखा और फिर कहा, आईश, इसीलिए मैं तेरे साथ कैंटीन नहीं आती। नूडल्स क्यों मंगवाए तूने? सॉस ही खा लेता। कोई नहीं होगा जो तेरी तरह खा। कहते हुए रे की नजर समायरा पे गई और वो चुप हो गई, क्योंकि समायरा ने भी ठीक वैसे ही किया था। समायरा ने विराज और रे को खुद की ओर देखते हुए देखा तो उसने कहा, मुझे ऐसे ही खाने में मजा आता है। घर पर तो हमें मैनर्स के साथ खाने के लिए कहा जाता है, बट बाहर मैं ऐसे ही खाती हूं। उसने रे से कहा, तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। रे ने मुंह बना लिया तो विराज ने कहा, रहने दो समायरा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। रे ने उसे घूरा। तभी समायरा ने कहा, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि तुम तीनों कजिन्स हो। रे ने कहा, तुम काव्यादी को जानती हो? समायरा ने कहा, हां, यश की स्टेप सिस्टर, उसकी बड़ी बहन। रे ने कहा, एक्चुअली उनकी मॉम हमारी मासी थी रियल, पर हम यश की मॉम को भी मासी मानते आए हैं, इसलिए यश हमारी बहन है। विराज ने कहा, पूरे डिपार्टमेंट को पता है, बट तुम नए हो तो। समायरा कुछ कहती इससे पहले ही आहना ने वहां आकर कहा, सैम, व्हाट द हेल यू आर डूइंग विद दिस लो क्लास डच बैग। उन तीनों ने हैरानी से आहना को देखा। यश मेहता सर के ऑफिस से निकली तो उसने देखा कि सर्वज्ञ दीवार की टेक लगाकर खड़ा है। उसने दोनों बाजू लपेटे हुए थे। यश को देखते ही वो सीधा खड़ा हो गया। यश ने कहा, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? सर्वज्ञ ने कहा, मैं वेट कर रहा था तुम्हारा। फिर यश के हाथों में कुछ पेपर्स देखकर उसने कहा, ये क्या है? यश ने पेपर्स की तरफ देखा और फिर कहा, ओ ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए सर ने टीम्स बनाई हैं, ये उसकी लिस्ट है। पर तुम मेरा वेट क्यों कर रहे थे? सर्वज्ञ ने उसे गहरी नजरों से देखा। सर्वज्ञ की तरफ यश ने ध्यान से देखा। फिर यश ने कहा, चलते चलते बात कर सकते हो? सर्वज्ञ ने हां में सिर हिला दिया। यश नोटिस बोर्ड की तरफ चल दी। सर्वज्ञ ने चलते हुए कहा, आज सैम के लिए स्टैंड लेने के लिए थैंक्स। सैम खुद को जितनी टफ दिखाती है वो उतनी टफ है नहीं। शी इज अ स्कैरी कैट। यश ने मुस्कुराकर कहा, आई नो दैट, पर सैम ने कभी टफ सिचुएशन देखी नहीं, सो दैट्स वाई शी इज लाइक दैट। सर्वज्ञ ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, तुमने कहा कि जो भी पिछले 4 साल पहले हुआ, यू फॉरगेट दैट एंड यू मूव्ड ऑन, राइट? यश ने उसकी तरफ गौर से देखा और फिर कहा, कहना क्या चाहते हो तुम? सर्वज्ञ ने कहा, मूव ऑन करना है तो मिलकर करते हैं। तुम सब कुछ भुला चुकी हो, देन एक नई शुरुआत करते हैं। मुझे तुमसे फिर से दोस्ती करनी है, दिखावे की नहीं, पर एक पक्की और सच्ची वाली दोस्ती जो हमेशा लाइफ टाइम के लिए रहे। यश ने एक गहरी सांस ली मगर कहा कुछ नहीं। सर्वज्ञ ने कहा, आई नो काफी मुश्किल है मुझ पर ट्रस्ट करना, बट यू हैव टू। मैं तुमसे बस एक चांस मांग रहा हूं, अपनी मिस्टेक सुधारने का सबको एक चांस तो मिलना ही चाहिए ना। इतना कहकर उसने यश की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, सो फ्रेंड्स। हेलो, आई एम यश में आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम मॉरिस के साथ। मेरे यानी मॉरिस के साथ आप सुन रहे हैं हेलो आई एम यश, ऑथर अंकु ठाकुर, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।
यश ने उसके हाथ की तरफ देखा और फिर अपने हाथ में पकड़े हुए पेपर्स उसने सर्वज्ञ के हाथ में पकड़ा दिए। सर्वज्ञ ने पेपर्स को देखा और फिर यश की तरफ देखने लगा। यश ने कहा, वॉट, तुमने ही कहा ना कि दोस्त बनना है, तो दोस्ती का फर्ज निभाओ। आई एम डैम टायर्ड, तो इन पेपर्स को नोटिस बोर्ड पर लगा दो और ऐसे लगाना कि सब आसानी से देख सकें। इतना कहकर यश ने एक हाथ ऊपर करके अंगड़ाई ली और कहा, सी यू सून माई फ्रेंड, और इतना कहकर वो वहां से चली गई। सर्वज्ञ ने हैरानी से पेपर्स को देखा और फिर मुस्कुराकर उन पेपर्स को अपने माथे पर हल्के से लगा लिया। उसके बाद वो नोटिस बोर्ड की तरफ चला गया। आहना को गुस्से में देखकर समायरा, रे और विराज खड़े हो गए। समायरा ने कहा, आहना तुम क्या बोल रही हो? आहना ने कहा, तुम इन लूजर्स के साथ यहां पर लंच कर रही हो? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू डैमिट? रे ने फोक और स्पून टेबल पर पटक कर कहा, इनफ इज इनफ। और फिर उसने आहना की तरफ देखा और फिर कहा, यह प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? वो हमारे साथ अगर लंच कर रही है तो ये उसकी मर्जी है। एंड हु इज द लूजर हियर? असली लूजर कौन है ये मुझे भी पता है और तुम्हें भी। मुझे फोर्स मत करो कि मैं तुम्हें कुछ भी गलत कह दूं, सो शट योर डैम माउथ। सब कैंटीन में उन्हें देखने लगे तो विराज ने हल्के से कहा, रे जाने दे, क्यों पंगे ले रही है? रे ने उसे घूरा और फिर कहा, मैं पंगे ले रही हूं? शी इज द वन हु ऑलवेज क्रिएट्स मैस। और तुम आहना, सैम हमारे साथ इसलिए है क्योंकि तुम उसे लाइब्रेरी में अकेला छोड़कर चली गई थी और निशांत ने उसे बुली करने की कोशिश की। आहना ने समायरा की तरफ देखा और फिर कहा, तो तुम इस वजह से इनके साथ हो? आर यू सीरियस? अगर वो निशांत कुछ कह भी रहा था तो भी तुम्हें अपने स्टैंडर्ड से तो नहीं गिरना चाहिए था। समायरा ने उसे एक पल के लिए हैरानी से देखा और फिर कहा, तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि किसी ने मुझे बुली करने की कोशिश की, बट इस बात की फिक्र है कि मेरा स्टैंडर्ड इन लोगों से अलग है। फॉर गॉड से कहा ना, कम से कम अब तो ये फेकनेस छोड़ दो जो हमारे पेरेंट्स ने हमें दी है। लोगों की केयर करो, उनके स्टैंडर्ड की नहीं। इतना कहकर उसने अपना बैग उठाया और तेजी से कैंटीन से निकल गई। रे ने आहना को घूरा और समायरा के पीछे चली गई। विराज ने आहना से कहा, वो सच में तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना? आहना ने उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, नहीं, तुम्हारे बिहेवियर को देखकर लगता नहीं है कि उनमें से कोई भी तुम्हारा दोस्त है। इतना कहकर विराज ने भी अपना बैग उठाया और चला गया। शाम को समायरा, रे और यश डॉर्मेट्री में थी। आहना आई तो उन तीनों ने उसकी तरफ देखा मगर कहा कुछ नहीं। समायरा ने भी आहना से कुछ नहीं कहा तो आहना उसके पास गई और उसने कहा, आई एम सॉरी सैम, मुझे उस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। समायरा ने उसकी तरफ देखा तो आहना ने कहा, तुम मेरी दोस्त हो और मैं नहीं चाहती कि किसी और की वजह से हमारी दोस्ती वीक हो। इतना कहकर उसने रे और यश की तरफ देखा। यश और रे ने एक दूसरे की तरफ देखा। समायरा ने गहरी सांस ली और फिर कहा, आहना डोंट वी लाइक दैट? हम इतने सालों से दोस्त हैं, वी शेयर ऑल द सीक्रेट। हमारी दोस्ती ऐसे ही वीक नहीं हो सकती, बट यू नो यू शुड मेक अ चेंज। आई मीन अब हम किड्स नहीं हैं। आहना ने मुस्कुराकर कहा, आई विल। समायरा भी मुस्कुरा दी और आहना के गले लग गई। ये देखकर यश ने हल्के से कहा, मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी दिन मैं इसको उठाकर खिड़की से नीचे फेंक दूंगी और बोल दूंगी कि मुझे नींद में कूड़ा फेंकने की आदत है। यश को हंसी आ गई और उसने अपना सिर झुका लिया। समायरा ने आहना से कहा, पर तुम गायब कहां हो गई थी? आहना पहले तो चौंकी, फिर उसने कहा, वो मैं वॉशरूम के लिए गई थी, जब वापस आई तो तुम लाइब्रेरी में नहीं थी। समायरा ने सिर हिला दिया। यश ने आहना को गौर से देखा पर कहा कुछ नहीं। अगले दिन सुबह प्रोजेक्ट की टीम्स बन गईं। अनुज और रे एक टीम में थे, यश और सर्वज्ञ एक टीम में और समायरा और विराज एक टीम में। आहना किसी दूसरे लड़के के साथ थी। प्रोजेक्ट की पहली प्रेजेंटेशन क्योंकि एक महीने के बाद देनी थी तो सब बिजी हो गए।
सीनियर्स की दी हुई फ्रेशर पार्टी में सबको न जाने का बहाना मिल गया और कोई भी नहीं गया। सब काफी मेहनत कर रहे थे, पर समायरा 2 दिन से विराज का वेट लैब में कर रही थी और वो गायब था। उस दिन वो विराज को ढूंढ रही थी कि तभी किसी ने कहा कि वो ऑडिटोरियम में है। समायरा विराज के पास पहुंची तो वो गिटार बजा रहा था। विराज ने उसे देखा और गिटार बजाना बंद कर दिया। विराज ने पूछा, तुम यहां पर क्या कर रही हो? समायरा ने अपने बाजू लपेटते हुए कहा, यह तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो। प्रेजेंटेशन 1 महीने बाद है, सब इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं और तुम हो कि यहां पर इसे बजाने में लगे हो। दो इसे मुझे। इतना कहकर उसने गिटार उठाना चाहा, पर विराज ने गिटार को पीछे कर लिया और फिर कहा, मेरे अलावा इस गिटार को सिर्फ रे और यश हाथ लगा सकते हैं। इसके अलावा इसे छूने की परमिशन किसी को भी नहीं है। समायरा ने कहा, क्यों? मुझे तो कोई खास बात नहीं लगी तुम्हारे इस 100 साल पुराने गिटार में। विराज ने उसे देखा और फिर कहा, इट्स माई डैड्स लास्ट मेमोरी। समायरा ने हैरानी से देखा और फिर कहा, आई एम सॉरी, आई डिडंट नो दैट। विराज ने कुछ नहीं कहा। समायरा ने कहा, पर गलती तो तुम्हारी है, तुम यहां पर इसे बजा रहे हो, प्रोजेक्ट के लिए इतना कम टाइम है। विराज ने कहा, यूनिवर्सिटी में आर्ट क्लब की परफॉर्मेंस के लिए भी उसे कम टाइम है, आई हैव टू प्रैक्टिस फॉर दैट। समायरा ने कहा, और प्रोजेक्ट वो कौन करेगा? विराज ने कहा, तुम किस लिए हो? टीममेट्स किस लिए होते हैं? हेल्प के लिए। समायरा ने उसे घूर कर देखा और कहा, विराज मैं लास्ट बार पूछ रही हूं, तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, प्रोजेक्ट या परफॉर्मेंस? विराज ने अपना चेहरा आगे करते हुए कहा, ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस। समायरा ने चिढ़कर कहा, ठीक है, बजाओ तुम गिटार अपना, मुझे तुम्हारे साथ टीम अप ही नहीं होना, आई जस्ट वॉन्ट टू चेंज माई टीम। इतना कहकर वो गुस्से से चली गई। लैब में सर्वज्ञ और यश प्रैक्टिकल कर रहे थे। इंडिकेटर डालते हुए सर्वज्ञ को चेहरे पर इचिंग हुई और उसने पूरा इंडिकेटर चेहरे पर लगा लिया। यश पीछे मुड़ी और उसने सर्वज्ञ का चेहरा देखा, उसकी हंसी छूट गई। सर्वज्ञ ने उससे कहा, लाफिंग गैस स्मेल कर ली क्या, पागलों की तरह हंस रही हो? यश ने कहा, लाफिंग गैस का तो पता नहीं, पर लाफिंग बॉय को जरूर देख लिया। सर्वज्ञ ने उसे हैरानी से देखा तो यश ने लैब कोट से फोन निकाला और कैमरा ऑन करके सर्वज्ञ को उसका चेहरा दिखाया। सर्वज्ञ ने अपने चेहरे की तरफ देखा, फिर अपने हाथों की तरफ। यश ने कहा, इंडिकेटर केमिकल में डालने के लिए होता है, पेस पर लगाने के लिए नहीं। सर्वज्ञ ने कुछ नहीं कहा और एकदम से यश की नाक पर कलर लगा दिया। यश ने चिढ़कर कहा, या। सर्वज्ञ ने मुस्कुराकर कहा, अब हंसो। यश ने नेपकिन से कलर पोंछते हुए कहा, तुम एकदम बच्चे हो सर्वज्ञ राणा। सर्वज्ञ ने कहा, यू आर कॉलिंग मी अ किड। यश ने कहा, यस यू आर अ किड। सर्वज्ञ ने उसके दोनों गाल पकड़ लिए और उन्हें खींचते हुए कहने लगा, बच्चा हूं ना मैं? यश ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, सर्वज्ञ। वो भी सर्वज्ञ के गाल खींचने लगी, मगर सर्वज्ञ लंबा था और उसने अपना चेहरा पीछे कर लिया। तभी अनुज वहां आया और सर्वज्ञ और यश को देखकर उसने हल्का सा खांस दिया। सर्वज्ञ और यश ने उसकी तरफ देखा, सर्वज्ञ ने एकदम से यश के गाल छोड़ दिए। हेलो, आई एम यश में आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM मॉरिस के साथ। मेरे यानी मॉरिस के साथ आप सुन रहे हैं हेलो आई एम यश, ऑथर अंकु ठाकुर, ओनली ऑन पॉकेट FM। समायरा को मेहता सर ने बुलाया। समायरा उनके पास पहुंची तो मेहता सर ने कहा, तुम विराज के साथ टीम अप नहीं करना चाहती? समायरा ने हैरानी से कहा, जी? मेहता सर ने कहा, विराज ने मुझसे कहा कि तुम टीम चेंज करना चाहती हो समायरा। विराज क्लास का सेकंड टॉपर ही नहीं बल्कि एक बहुत ही जीनियस स्टूडेंट है,
उसके प्रेजेंटेशन और प्रोजेक्ट ब्रिलियंट होते हैं। डू यू रियली वॉन्ट टू चेंज योर टीम? तमायरा ने कहा, नो सर, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं विराट से बात कर लूंगी। मेहता सर ने ओके बोल दिया। समायरा उनके केबिन से बाहर आ गई। विराज अपने हाथ में गिटार को पकड़कर घूम रहा था, तभी समायरा एकदम से उसके सामने आ गई। विराज चौंक गया। समायरा ने कहा, मुझे बात करनी है तुमसे। विराज ने कहा, टाइम नहीं है मेरे पास। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। समायरा ने चिढ़कर कहा, विराज, और उसके पीछे चल पड़ी। दो लड़कियों ने समायरा को विराज की तरफ जाते देखा तो एक ने कहा, लो, एक और दीवानी पड़ गई विराज के पीछे। समायरा ने उन्हें घूरा तो विराज ने बिना पीछे मुड़ते हुए कहा, उनको मत घूरो, तुम मेरे पीछे आओगी तो यही होगा। समायरा ने विराज की तरफ दौड़ लगा दी और उसके सामने खड़ी होकर कहने लगी, तुमने मेहता सर को कहा कि मैं तुम्हारे साथ टीम अप नहीं होना चाहती? विराज ने कहा, तुमने ही तो कहा था। समायरा ने कहा, मैंने गुस्से में कहा था और तुमने मेहता सर को बता दिया। विराज ने कहा, अजीब हो यार तुम, पिछली बार भी तो तुमने टीम चेंज की थी। समायरा ने चिढ़कर कहा, पहले की बात अलग थी, तुम जाकर मेहता सर को बोलाओ कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई थी, कोई टीम चेंज नहीं होगी। विराज ने कहा, आर यू क्रेजी और वॉट, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। इतना कहकर विराज आगे चला गया। समायरा ने उसका रास्ता फिर रोक कर कहा, तुमने ही मेहता सर को बोला, अब तुम ही सब सॉल्व करोगे। विराज ने चिढ़कर कहा, यार तुम लड़कियों का कोई स्टैंडर्ड होता है या नहीं? लोगों की हां में हां होती है और ना में ना, पर तुम्हारा तो केस ही उल्टा है, हां में ना और ना में हां। पहले बोला कि टीम बदलनी है और अब तुम्हें टीम नहीं बदलनी है, क्या चाहती क्या हो मेरी मां तुम? पहले डिसाइड कर लो खुद। इतना कहकर विराज आगे जाने लगा कि तभी एक लड़की से टकरा गया। विराज ने कहा, आई एम सो, कहते हुए उसकी नजर लड़की के चेहरे की तरफ गई और वो चुप हो गया। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, हाय विराज। विराज ने धीरे से कहा, आला। इतना कहकर उसके हाथ से गिटार छूट गया। वो एकदम से पीछे मुड़ा और तेजी से चला गया। समायरा ने उसे आवाज दी मगर वो नहीं पलटा। समायरा ने आला की तरफ देखा और फिर गिटार की तरफ देखा। सर्वज्ञ और यश अपने प्रैक्टिकल की तरफ मुड़ गए। अनुज वहां आया और उन दोनों की तरफ देखने लगा। दोनों ही अनुज से नजरें नहीं मिला रहे थे। अनुज ने उन दोनों को देखकर कहा, तुम लोग प्रैक्टिकल कर रहे थे या फिर खेल रहे थे? सर्वज्ञ ने उसकी तरफ देखा और कहा, रे कहां है तेरी पार्टनर? अनुज ने कहा, रे नहीं, उसका नाम गुंडी होना चाहिए था, मैं बता रहा हूं तुझे, वो एक नंबर की। इतना कहते हुए उसकी नजर यश की तरफ गई जो उसकी तरफ देख रही थी। अनुज ने कहा, मतलब आई नो शी इज योर सिस्टर बट शी ऑलवेज स्केयर पीपल। यश ने मुस्कुराकर कहा, आई नो दैट, शी इज अ राउडी। सर्वज्ञ ने यश की तरफ देखा और फिर कहा, बहन किसकी है आखिर? यश ने उसे घूरा तो सर्वज्ञ ने आंखों का इशारा करते हुए प्रैक्टिकल करने के लिए कहा। यश ने सिर हिलाते हुए केमिकल को ब्यूरेट में डालना शुरू कर दिया। शाम के टाइम तक उनका करीब आधा प्रैक्टिकल खत्म हो चुका था। अनुज ऑब्जर्वेशन को नोट्स में लिख रहा था कि तभी लैब का दरवाजा जोर से खुला और रे अंदर आई। तीनों ही दरवाजे की जोरदार आवाज से चौंक गए। अनुज ने रे की तरफ देखा और फिर कहा, तुम कहीं आराम से नहीं आ सकती क्या? समडे यू विल ब्रेक द डोर। रे ने उसकी तरफ देखा और कहा, शट अप, इट्स एन इमरजेंसी। यश ने उसकी तरफ देखा और कहा, व्हाट हैपन रे, तुम परेशान लग रही हो। रे ने फोन दिखाते हुए कहा, विराज दोपहर से गायब है। सर्वज्ञ ने कहा, गायब है मतलब? वो शायद समायरा के साथ होगा, वो उसका टीममेट है। एंड रे ने उसे टोकते हुए कहा, नहीं, वो कहीं नहीं है, मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं है। यश उसके पास आई और उसने कहा, रे काम डाउन, जस्ट काम डाउन, ओके, मुझे शुरू से बताओ हुआ क्या। रे ने कहा, मां का फोन आया था कि विराज का फोन नहीं लग रहा, उन्हें कुछ बात करनी थी उससे, मैंने उसे ढूंढना शुरू किया। आई लुक फॉर हिम एवरीवेयर, डॉर्मेट्री, कैंटीन, क्लास, लैब, ऑडिटोरियम, एवरीवेयर।
नो वन सॉ हिम एंड उसका फोन भी स्विच्ड ऑफ है दोपहर से। आई डोंट फील राइट। विराज ऐसा कभी नहीं करता। आई डोंट नो वेयर द हेल ही इज। यश ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, ओके वील फाइंड हिम। तूने मासी से क्या कहा? उन्हें बता दिया? रे ने सिर हिलाते हुए कहा, नो मैंने उनसे कहा कि विराज बिजी है प्रोजेक्ट में, बट वो कहीं नहीं है। अनुज कहने लगा, डोंट वरी रे, आई मीन विराज बच्चा थोड़ी है, गया होगा कहीं, आ जाएगा, रिलैक्स। सर्वज्ञ ने कहा, यस रे ही इज अ ग्रोन बॉय, डोंट वरी। यश ने कहा, नो समथिंग इज रॉन्ग, विराज कहीं भी जाए वो कॉल तो नहीं पर टैक्स जरूर कर देता है और उसका फोन कभी स्विच्ड ऑफ नहीं होता, इसी वजह से वो हमेशा पावर बैंक साथ रखता है अपने, वो गायब नहीं होता। इतना कहकर उसने रे की तरफ देखा और फिर कहा, वी हैव टू फाइंड हिम सो लेट्स गो। सर्वज्ञ ने कहा, हम भी आते हैं। यश ने कहा, तुम लोग प्लीज यहां सब रैप अप कर दो, मेहता सर अगर लैब को मैसी देखेंगे तो गुस्सा होंगे। सर्वज्ञ और अनुज ने सिर हिला दिया। रे और यश तुरंत बाहर निकल गईं। यश और रे ने सारी यूनिवर्सिटी एक बार फिर देख ली। रात के 8 बज चुके थे पर विराज का कहीं पता नहीं था। वो बाहर गार्डन में आए तभी सर्वज्ञ और अनुज वहां पर आ गए। सर्वज्ञ ने कहा, विराज मिला? यश ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हमने सारे डिपार्टमेंट देख लिए। रे ने कहा, हो सकता है वो डॉर्मेट्री चला गया हो। अनुज ने कहा, नहीं मयंक वहीं पर है, हमने उसे बता दिया है कि जैसे ही विराज आए वो हमें कॉल करे। सर्वज्ञ ने कहा, ऐसी कोई जगह है जो यूनिवर्सिटी के बाहर वो जा सकता हो? आई मीन कोई भी ऐसी जगह है? यश और रे सोच में डूब गईं। तभी रे ने कहा, यहां से कुछ दूर एक लेक है, विराज को वो जगह बहुत पसंद है, वो अक्सर वहां जाता है। यश ने कहा, वी शुड गो देयर। सर्वज्ञ ने कहा, नो मैं और अनुज जाते हैं, इट्स लेट राइट नाउ, तुम लोग यहीं रहो, जस्ट टेल अस द डायरेक्शन। तुम लोग विराज के फोन पर ट्राई करते रहो, अगर वो वापिस आता है देन कॉल अस। यश ने सिर हिला दिया। सर्वज्ञ और अनुज यश की बाइक पर बैठकर चले गए। रे और यश परेशान सी चहलकदमी करने लगी। तभी वहां समायरा आ गई। समायरा ने रे से पूछा, विराज का कुछ पता चला? रे ने सिर हिलाया और कहा, नहीं उसका फोन अभी भी ऑफ है। समायरा ने कहा, आई डोंट नो उसे क्या हो गया, हम बात कर रहे थे तभी वो लड़की सामने आई और फिर विराज उसे देखकर गायब हो गया। रे और यश चौंक उठी। दोनों समायरा के पास आईं और फिर रे ने कहा, लड़की? कौन लड़की? तुम जानती हो उसे? हमारे डिपार्टमेंट से थी। समायरा ने कहा, नहीं मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा, नाम भी अजीब था उसका, साउंड लाइक ताला। रे और यश ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर यश ने समायरा की तरफ देखा और कहा, आला? समायरा ने एकदम से कहा, हां आला, उसे देखकर विराज एकदम से भाग गया। यश और रे ने एक दूसरे की तरफ देखा। यश ने सिर हिलाते हुए कहा, शिट। रे ने कहा, रूफटॉप। इतना कहकर वो तेजी से रूफटॉप की तरफ बढ़ गईं। यश ने समायरा से कहा, सैम कॉल सर्वज्ञ, उसे बोलो कि विराज लेक पर नहीं है। इतना कहकर वो भी रे के पीछे भाग गई। समायरा ने उन दोनों के जाने के बाद खुद से कहा, बट मुझे विराज से मिलना था। इतना कहकर उसने गहरी सांस ली और सर्वज्ञ को फोन कर दिया। रे और यश यूनिवर्सिटी के रूफटॉप पर पहुंच गईं। रूफटॉप क्रिकेट के ग्राउंड जितना बड़ा था। रे और यश बाईं तरफ भागी जहां कागज के बने हुए बड़े बड़े खाली बॉक्स पड़े हुए थे। वहां एक छोटा सा कैबिन बना हुआ था जहां छोटे छोटे फ्लावर पॉट लटक रहे थे और टूटा फूटा सामान रखा हुआ था। सारा कैबिन शीशे का बना हुआ था। रे ने दरवाजा खोला और स्विच ऑन किया। विराज अंधेरे में बैठा हुआ था। वो लाइट के ऑन होते ही चौंक गया। उसने सामने देखा तो रे और यश हांफते हुए उसे देख रही थीं। विराज उन्हें देखकर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, तुम दोनों यहां क्या कर रही हो?
हेलो आई एम यश में आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम मॉरिस के साथ।